यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधयास्प्रणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मेधा देवी जुषमाणा नागाद् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां महेन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासुप्रतीका जुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो ददातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद आने के लिए। आज हमारी डिबेट है, डिस्कशन है ब्रह्म कुमारी संस्था के दो मेंबर्स के साथ, प्रवीण जी और राधु जी। और मेरे पास राधु जी का ईमेल नहीं था तो मैं उनको लिंक नहीं दे पाई। और मेरी तरफ से मेरे पार्टनर सतीश जी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। और सुशील शर्मा जी राम राम, नल्ला जी राम राम, कर्मयोगी जी राम राम। कर्मयोगी जी, मैंने कभी भी नहीं कहा कि शंकराचार्य जी ने वेद नहीं पढ़े। मैंने बोला अगर किसी ने वेद नहीं पढ़े, अगर वो शंकराचार्य भी क्यों ना हो, अगर उसने वेद नहीं पढ़े और वेद सम्मत जो बात नहीं करता है वो मेरी नजर में है ही नहीं कोई सम्मान देने योग्य। उस उतने लेवल तक का सम्मान देने योग्य नहीं है। मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने वेद पढ़े हैं कि नहीं। तो इसलिए आप अपने जो है वचन सोच समझ के बोलिए। प्रवीण जी आ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है प्रवीण जी। राम राम। गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम जी। प्रवीण जी वो अभी तक सतीश जी नहीं आए हैं और ना ही वो जुड़े हैं। तो हाँ, सतीश जी तो आ गए हैं, राधु जी नहीं जुड़े हैं। तो थोड़ी देर में शायद राधु जी भी आ जाएंगे और सतीश जी जुड़ रहे हैं, अभी उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। आप कैसे हैं प्रवीण जी? बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया। स्वागत है सतीश जी, आपका भी स्वागत है। जय श्री राम प्रीति जी। जय श्री राम। जय श्री राम प्रवीण जी। जय श्री राम। जय श्री राम।
जी, बहुत आपको बहुत पता धन्यवाद। है सतीश जी जो है वो ब्रह्म कुमार थे, एक्स ब्रह्म कुमार हैं। यस, कल आपने बताया था। यस, जी आज का जो मतलब आपने टॉपिक मुझे ईमेल किया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा होमवर्क भी किया हुआ तो है। मैं लोगों को बता दूं कि आज जो है मैंने दो टॉपिक रखे हैं, क्योंकि प्रवीण जी ने मांगे थे दो टॉपिक, तो मैंने सब लोगों से नहीं पूछा हुआ था, तो मैंने जो है वो टॉपिक ये बोला है। पहला तो ये है कि जो लेखराज जी हैं उनके कैरेक्टर और उनके डीड्स जो है वो एविडेंस से प्रूव करिए, और दूसरा है कि ओरिजिनलिटी ऑफ नॉलेज। तो हमने ये दो पॉइंट्स रखे थे और मैं सब लोगों को बता देती हूँ कि ये दो पॉइंट्स हैं आज के डिस्कशन के। तो एक सेकंड दीजिए। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि जो संत होता है, पहले तो ये देख लीजिए जितने लोग यहाँ नीचे बैठे हैं कि ये है आज का टॉपिक। तो दो पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे, जो लेखराज कृपलानी है उनके कैरेक्टर और डीड्स के बारे में एविडेंस के साथ, और दूसरा जो ये नॉलेज देते हैं उसका ओरिजिनलिटी का प्रूफ दें एविडेंस के साथ। ये दो हमने रखे हैं आज, क्योंकि ये मूल पे हैं और बाकी सारे इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन शुरू में स्टार्ट से पहले पूछना चाहती हूँ कि आप एक संत की उपाधि किसको देते हैं? आप किसको एक अच्छा व्यक्ति कहते हैं? संत की उपाधि किसको देते हैं? मतलब वो साधु संत या बड़ा सम्माननीय है, तो हम किस बेसिस पर उसको आध्यात्मिक सम्मानजनक टाइटल देते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे कि ये बोला जाता है कि मराठी में एक कहावत है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ अहमदनगर से, तो जैसा जैसा बोले वैसा चाले, ऐसा जो बोला जाता है, द पर्सन हु फॉलोज द वर्ड्स एंड डू द एक्शंस अकॉर्डिंगली, ओके, डज द एक्शंस अकॉर्डिंगली, तो वो एक अच्छा इंसान माना जाता है। और जो अंदर और बाहर एक ही होना चाहिए, वो ड्यूअल कैरेक्टर वाला नहीं होना चाहिए। एंड जिसके कारण दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका कुछ सॉल्यूशन देने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये है और वो सही तरीके से ये काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो सेंट है, संत के कैटेगरी में आएगा। तो मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करती हूँ। मैं ये कहती हूँ लोक कल्याण बहुत लोग करते हैं, प्याऊ लगवा लेते हैं, ये बहुत जगहों पर दान देते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग बहुत बहुत दान देते हैं, लेकिन संत कैटेगरी में वो लोग आते हैं। तो मैं उसके लिए आपके साथ एक स्लाइड शेयर करती हूँ कि संत कैटेगरी में दो बातें जरूरी हैं। पहली बात यह है कि आप जो हैं उनके अंदर काम क्रो ये है एक कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः, ज्ञान रत्ना पहाराय तस्मात जागृत जागृत। यानी कि ये छह जो षड रिपु हैं जिनको बोला जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, जो इन सबसे ऊपर उठ गया वो संत है। और जिसको ये पहली कंडीशन है संत होने की, और दूसरी है कि संत समाज उसको संत माने। क्या करेक्ट, आप मेरी बात से एग्री करते हैं? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट है। सतीश जी आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी, तो अब इन इन जो है पॉइंट्स की, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये मैंने एक्चुअली इस्लामियों के लिए बनाया था लेकिन मुझे यहाँ काम आ गया। तो यहाँ पर हम लेखराज जी को, जो फाउंडर हैं ब्रह्म कुमारी संस्था के, इन चीजों पर तोड़ लेंगे कि वो क्या कामी थे, क्रोधी थे, लोभी थे, मोही थे, मद से भरे थे और मात्सर्य से। तो सबसे पहले ये देखते हैं, मेरे पास जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी आपसे प्रवीण जी की आप पढ़ दीजिए उनको। तो जब इन्होंने ओम मंडली चलाई थी तब के ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको कभी भी कोर्ट से निकल सकते हैं, पब्लिक डोमेन में हैं ये सारे केसेस।
इसमें जो लॉयर्स हैं, दूसरी तरफ के क्रॉस एग्जामिनेशन वाले लॉयर्स हैं, कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, और ओम राधे जी भी प्रेजेंट थी, उन्होंने क्या डिपोजिशन दिया। सात लड़कियां जो हैं वापस, 25 लड़कियां किडनैप हुई थी, उसमें से सात लड़कियां जो हैं माँ बाप ने वापस ली, और उसमें से पांच लड़कियों ने कोर्ट में जाकर डिपोजिशन दिया है। छोटी छोटी लड़कियां हैं, उन्होंने वहां अलग अलग बयान दिए हैं जो कि काफी सिमिलर से हैं, तो चलिए हम उनको पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब पब्लिक डोमेन में है, आपके भी उसमें निकल आएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। सतीश जी, आपके पीछे से कुछ खच खच आ रहा है या तो पंखा चल रहा है, वो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए आप। और काफी बड़ा है ये डॉक्यूमेंट, तो हम सीधे सीधे वहां पर जाते हैं। अभी भी आ रही है आवाज? मैंने पहले से निकाल के नहीं रखा। हाँ, यहां से देखिए, ये देखिए, ये किसका है डिपोजिशन? ये है सॉरी, मैंने ये सारा पहले से पढ़ के नहीं रखा है, ये पहले जब सबसे पहले पढ़ा था तब का मार्क्ड है। ये किसने दिया है, मैं ये देख रही हूँ। प्रीति जी, मैंने आपको एक मुरली भेजी है मेल पे जी। अच्छा, और वो और ओरिजिनल जो पोस्टर वो भी उसमें अटैच है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है प्रवीण जी, ये 18 साल की एक लड़की ने दिया है। आई एम ट्रेडिंग विद माय मोबाइल, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड द सेंटेंसेस एंड वर्ड्स क्लियरली। हाँ, अभी थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा साइज बढ़ाने के बाद अभी नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, आई कैन ये देखिए, अब तो दिखेगा ना। ये देखिए, माय नेम इज मिस, और इनके नाम यहां से हटा दिए गए हैं डिजिटल कॉपी में से, इनकी उसके लिए सेफ्टी के लिए। और फादर्स नेम, रिलीजन, एज 18 साल है ये, रेसिडेंस हैदराबाद में, सिंध में, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद सिंध। अब यहां से आप पढ़िए इंग्लिश में है ये। No, it's difficult for me to read because of my number also. But ठीक है। Try. No, I'm not really able to. एक मिनट, हाँ, now I have zoomed. I know Dada Lekhraj. Om Radhe, Om Radhika, and other members of Om Mandali. And इतना बड़ा डॉक्यूमेंट रीड करने में टाइम तो जाएगा। आई ज्वाइन देयर फॉर 6 months, I did not then come into the contact with Dada Lekhraj as he had gone away to Kashmir and other places. But the time that I saw him in Om Mandali, I heard him saying that anyone who takes, what is it? Gyan in Om Mandali becomes God himself, and that he himself was a Brahma, that is God himself. He used to preach that there was no difference between males and females, and that whatever was done by males and females inside Om Mandali became sanctified. Okay. He preached no restraint in sex matters between males and females who were members of the Om Mandali.
because on account of mandali gyan whatever they did could not amount to sin. हाँ, तो इसका क्या मतलब है? अब ठीक है, इसका मतलब मतलब जो उसने बोला है लड़की ने कि भाई जो है जो वहां पर लोग रहते हैं ओम मंडली में वो आपस में सेक्स कर सकते हैं, उससे उनको पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो जो भी करेंगे उनको पाप नहीं लगेगा क्योंकि उनको मंडली का ज्ञान है। आगे चलिए, ये उस लड़की ने बोला है, अभी हम खाली उसका डेपोजिशन पढ़ रहे हैं। What I feel, Preeti ji. नहीं नहीं, I'm not concerned what you feel. बस आप ये आगे पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, I'm not really able to. Just read it. This is that statement given by an 18-year-old girl who was kidnapped among the 25. Against marriage and said marriage was sacrificed to Kali. He used Kali. To say Guru Granth Sahib was composed on ink and paper and hence no homage was to be paid to it, but homage be paid to him. He decreed the sanctity of Kanha Sahib. He spoke jeeringly to Vedas and scriptures too, saying that all the scriptures had emanated from him and that homage should be paid to him alone. He said that parents were uninitiated dogs and hence deserve no veneration, and that if members of the Om Mandali were coerced against being members of the Om Mandali, they should kick those parents who prevent them from going to Om Mandali. Ji. मतलब ये बोला कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो अनइनिशिएटेड डॉग्स हैं और अगर आपको ओम मंडली आने से रोके तो उनको किक करो। आगे ठीक है प्रीति जी, आई एम नॉट रियली बिकॉज़ आई एम हैविंग आईसाइट प्रॉब्लम आल्सो। ओके ओके, आई विल रीड इट। ही एंजॉइन्ड मेंबर्स टू डाइन इन ओम मंडली अलोन एंड टच नो फूड ऑफ आउटसाइड पर्सन। आई केम टू नो ऑल दिस ड्यूरिंग माय फर्स्ट विजिट, फर्स्ट पीरियड ऑफ 6 months मेंबरशिप। But during this period, I had hardly come in close personal contact with Dada Lekhraj. During the first 6 months, I had seen Dada Lekhraj embracing those ladies and girls who used to go in a trance and fall in his lap. After this period of 6 months, I went for some time out of Hyderabad and hence I did not go for a few months to the Om Mandali. After this, Om Nivas came into existence. And the activities of the Om Mandali was expanded by opening a school also there. When I rejoined the institution after the break referred to above, I saw considerable degeneration in the moral tone of Dada Lekhraj as I saw him making girls sleep in his lap and embracing and kissing them and also pulling their breasts and touching them all over the body. He used to ask the girls also to kiss him and keep their hands on --. The girls used to feel abashed but had no power of resistance. He used to pay more court in this connection to --, because she had chubby cheeks. Ek aur ladki pe zyada dhyan deta tha kyunki uske chubby cheeks the, and is very fair in her look and well built body. I used to hate my mother thereafter as she used to prevent me from going to the Mandali. I did not care even for my brother, though he used to beat me because there was irresistible urge in me to go to the Mandali in defiance of the wishes of all my relations. For 10 or 11 days, my parents had kept me confined in a room, but I refused to be cowed down and began to harass my parents by adopting the method taught to me by Dada Lekhraj, such as taking no meals, taking no bath, leaving hair untied, and seating myself at one place without moving. I had adopted all these methods in toto for 11 days with the result that my mother permitted me to go to the Mandali. Ab iska cross examination hua hai aur ye bhi tareekh bhi padhi hui hai. Ye shayad agli ladki hai ya yahi hai. Lekhraj used to tell us that whatever transpires inside the Om Mandali should not be divulged to any outside the Mandali.
there were further instructions to us that is anyone was inquisitive about knowing the gyan inside Om Mandali, he should not be informed anything about it, because but he may be told to join the Mandali and then know it. We were told that the Om Mandali was like a Masonic lodge and hence the secrets of it should not be divulged. After the picketing trouble at Hyderabad, क्योंकि लोग वहां पर नारे लगाने लगे, उनकी बच्चियां किडनैप हो गई थी. The Om Mandali people went to Karachi. My parents told me that if I go away secretly to Karachi, they will die away, but I did not care for their death and was determined to go away. After about 2 months, I got an opportunity to run away with Om Mandali members by name dash dash dash. We got down to Om Nivas Bungalow near Clifton. Adjoining to this Om Nivas Bungalow, there was another bungalow also hired by Dada Lekhraj in the name of Dash for keeping kidnapped girls there. The rent of both these bungalows was ₹500 and it was paid by Dada Lekhraj. There was a third house also near Soldier Bazaar where Dada Lekhraj was himself living and pass his days there. He used to go to his residential house near Soldier Bazaar late in the night. He used to pass 4 or 5 nights per week in the house adjoining Om Nivas where kidnapped girls were lodged. The mess was common for all the inmates of both the houses in Om Nivas, but bath arrangement for all was made in the house of the kidnapped girls. I had remained in the Om Nivas building at Karachi for 4 to 5 days. On the next or third day of my going to Om Nivas at Karachi, Dada Lekhraj came to pass a night there in the house of runaway girls. In the main hall of the ground floor was sleeping on a cot with a quilt over her. Dada Lekhraj pulled her quilt and raised it up. After this, he raised her shirt and played with her breast. Dot, dot, dot. Aur nahi likha isme. One day he called me to meet him there. He took me to a room. He embraced and kissed me there and passed his hands over my body. This coat paid by him to me appeared of peculiar significance. He asked me to kiss him also, but I felt shy and did not do so. I somehow felt I could not speak out. My mother had come on the next day of my going to Om Nivas, but he turned her away. She came again after 4-5 days for taking refreshment with her. She took me in a car, but instead of taking me to any place of refreshment, took me direct to Hyderabad. While I was being taken away by my mother, the inmates of the Om Mandali were making gestures to me not to go. I saw my mother taking me to Hyderabad with 2 males. I kicked up a row in the car and caused considerable damage to it. At Hyderabad, I again kicked up a row. My mother helplessly told me to go away and then all began to weep. I felt some remorse and postponed going to Karachi. After about a week, I realized my position and said to myself, from what hell I had been saved. Ye kaafi hai. In this bungalow of, ab ye cross examination APP ne kiya hai. In this bungalow of kidnapped girls, there were about 100 kidnapped girls and 15 to 20 married women and widows. Dada Lekhraj used to kiss, embrace and play with the breasts of married women too. All this was being done openly done by him. No girl or woman had power of showing resentment, though the lineaments of their faces used to betray their inner feelings of resentment at the misconduct of Dada Lekhraj. Dot, dot. One Mohammedan, whom Dada Lekhraj has named as Rishi, and who wears dhoti and shirt. Usko Hindu kapde pehna diye, Musalman ko. Uska naam badal ke Rishi rakh diya. He had been given a room to live there. He is not a Sindhi, but Urdu knowing man. All the males living inside the Om Mandali are very free with girls living inside Om Nivas, and hence anything is inferable from such intimate conduct. Whenever strangers used to come at the time of satsang, very discreet conduct was maintained by all the inmates of the Om Mandali and we passed off as inspired beings. Matlab jo bahar ke log aate the to ye aise ban jate the jaise ye bade aadhyatmik hain.
The satsang was held every morning from 7:30 to 9:30 and three times a week in the evenings from 5 to 8 p.m. Some people used to come to Om Nivas by appointment and some for initiation. The girls used to speak with each other about court paid to them by Lekhraj, and they used to feel seemingly elated by his court. Dada Lekhraj used to say that he was Lord Krishna and he would collect 16,008 gopis like Lord Krishna. I also did not like the conduct of Lekhraj inwardly, but outwardly I had no power of expression. I did not consider Lekhraj as Krishna, but professed with others that he was Krishna. Yani wo apne man mein to sochti thi ki Lekhraj bura hai, par upar se bol nahi sakti thi. I did not consider myself as his gopi. Though I used to think of speaking against him, but the words which used to fall from my lips were of his praise and not condemnation. I had not spoken to anyone of the things referred to now before returning from Karachi. My parents had felt very aggrieved and annoyed at my persistence in going to Om Mandali and Om Nivas as Hyderabad. Even the Bhai Band community itself felt resentment at the going of girls to Om Nivas. Beyond kissing and embracing, Lekhraj did not do anything further in presence of males. यानी और आदमियों के सामने वो खाली किसिंग और एम्ब्रेसिंग करता था, लेकिन आदमी नहीं होते थे तो और भी कुछ करता था. बहुत कुछ है लेखराज. 3,000 ये से 4,000 जो खर्चता था ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट्स और स्वीट्स लाके देता था इनको. दादा लेखराज हैड पावर इन हिज आईज. व्हेनेवर ही स्टेयर्ड एट एनी गर्ल्स, tears used to fall from their eyes. After this, the girl used to follow him madly. First time when Dada Lekhraj put antimony in my eyes, aankh mein surma bhi lagata tha, and stared into them, I felt nervous and shaking of the body. I cannot say whether Lekhraj used to misbehave with married girls in the presence of their husbands. No textbook of any religion was allowed to be read inside the Om Nivas. Yani aap Ved Gita andar nahi padh sakte hain. Occasionally he used to take up Gita in his hands, but it used to fall from his hands and he never read any passage from it. Usne kabhi Gita nahi padhi. He used to say that Gita does not want to remain in his hands and that inward inspiration was the gyan required in the Om Nivas. Since 2 to 3 years, Gita is not even touched in Om Nivas. For young children, a book of Gita is kept, but it is kept for showing only to others and never a lesson is given from it to children. Dada Lekhraj has invented his own method of teaching from the alphabet and written lessons for children. For example, one lesson was that a yogi living outside and praying for his life had not attained mukti, but a person entering Om Nivas attains mukti immediately after entering it, and that all inmates had attained mukti in 1 week time. Lekhraj spends over 3,000 or 4,000 per month on the maintenance of Om Mandali and Om Nivas. All kinds of dry and fresh fruit and sweets are daily served there to all the inmates. All inmates are provided with clothes also, and these clothes are always white clothes, which include white shirts. There was one car and one bus for Om Nivas purchased by Lekhraj. The school and sewing class were only an eye wash. In the sewing class, the clothes of girls living there were only sewn. ये तो 18 साल वाली का है, अब इसमें 17 साल वाली का भी है. बहुत बड़े हैं ये डॉक्यूमेंट्स. मैं ही तो नहीं अकेले पढ़ रही हूँ. No, I'm listening to. हाँ, अब ये देखो, ये 17 साल की लड़की है. इसका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, रेसिडेंस हैदराबाद सिंध में है. ये एग्जामिनेशन इन चीफ को क्या कह रही है. आई वॉज अ मेंबर ऑफ ओम मंडली फॉर अबाउट 2 months. द ओनली ज्ञान दैट दादा लेखराज गेव टू द मेंबर्स ऑफ द ओम मंडली वॉज दैट द पेरेंट्स बी ट्रीटेड एज डॉग्स एंड दैट नो हीड बी पेड टू देम नॉर शुड दे बी ओबेड. ही फर्दर यूज टू से दैट वॉट एवर वॉज टॉट टू देम इन द मंडली शुड नॉट बी डाइवर्ज टू एनी वन आउटसाइड द मंडली एंड दैट द मेंबर्स ऑफ द मंडली हैड फुल कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज and that their parents had no right to interfere with them.
ऑन द लास्ट होली ओकेजन आई हैड सीन दादा लेखराज मिसबिहेविंग विद डैश डैश कोई लड़की का नाम बाय सीटिंग देम ऑन हिज बेड ओवर विच द फ्लावर्स वर स्प्रेड एंड किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग देम देयर इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस फॉर दादा लेखराज इन द मंडली टू एम्ब्रेस एंड किस ऑल ग्रोन अप गर्ल्स एंड वीमेन लिविंग इन द ओम मंडली In this connection, he used to pay more court to fair-skinned girls and women than to others. Yani wo gori ladkiyon par jyada meherban rehta tha. Dada Lekhraj used to come and pass 2 to 3 nights per week in the house of runaway girls. The night on which Lekhraj used to come to sleep there used to be called as Golden Night. As on that night, the girls whom Lekhraj used to like most used to meet him alone in a separate room. मतलब ये जो है स्वर्ण रात जो है अकेले बिताता था. I was brought to Hyderabad by my cousin as I had fallen ill there. Dot dot. अब इसका cross examination APP ने किया है. तो अब ये बता रही है. I had not spoken of holy affairs which had disgusted me to anyone when I had seen them as we were enjoined. Not to speak out the Mandali affairs to outside people. The Karachi life in Om Nivas was not to my liking. I returned to Hyderabad about 1.5 month ago. Dash dash. तीसरी लड़की, इसका नाम और उसके पिता का नाम छुपा लिया है. इसकी एज 16 साल है. अब ये 16 साल वाली क्या कह रही है? I have not yet completed my 16th year. अभी ये 15 साल की ही है, 15 साल कुछ महीने की. I joined Om Mandali about a year ago. ये एक साल रह चुकी है. My brother's wife took me to Om Mandali. He preaches defiance of parental authority and advised. अब देखो सब नहीं बोला है defiance of, ये तीसरी लड़की है जो parental defiance बोल रही है. And advised trampling parents under feet. I used to see Lekhraj closeted with Om Radhe at Hyderabad and they used to emerge after some hours stay. He used to kiss and embrace all grown-up and attractive girls. I used to get disgusted, but I had no power of expression to say out my feelings. Lekhraj has magnetic power in his eyes. If he stares at the eyes of any girl, he overpowers her. He had similarly overpowered me once by an intense glance into my eyes. Ye sab mesmerization hi to hai. He loved passionately Om Radhe. Passionately, I mean passionately loving that Lekhraj used to dash dash with them. Some of the male members were openly misbehaving and some were misbehaving on the sly. मतलब कुछ खुले रूप से इनके साथ बदमाशियां बदतमीजियां करते थे कुछ छुप के. Lekhraj used to say that he was himself Lord Krishna and that he may be worshipped. Accordingly, he used to be worshipped by Krishna by the inmates of Om Mandali. He used to play Ras Leela. With Mandali girls called gopis. The Ras Leela was generally confined to good-looking grown-up girls and women only. All girls and women who took part in Ras Leela used to wear ringing anklets, pailen pehenti thi, and flower crowns. He himself used to wear such ringing anklets and flower crowns. The girls taking part in Ras Leela used to feed Lekhraj with butter, bread, and sugar. He used to pay this compliment back to the fairest of the girls dancing with him. I was under secretary to Dada Lekhraj. There was no economy of any kind of food, fruit and sweets for the members. The best quality things were supplied for the feed of inmates. Dada Lekhraj has his own funds, but those were supplemented by rich members such as the daughter-in-law of Dash. Who paid 7,000 rupees to Dada Lekhraj. The sister-in-law of Dash had donated to Lekhraj 7,000 rupees. Three other ladies pay monthly a sum aggregating rupees 150. Ratan Chand Surtani pays him rupees 400 a month. Lekhraj used to say that this is the secret of Om Mandali are diverged. That is the secrets of the Om Mandali are diverged to outside by any member. He, she will be expelled. We therefore did not speak of anything of the Mandali to the outside people. Once I had seen bath being taken in Om Nivas by certain inmates of Om Nivas.
दिस वॉज डिस्गस्टिंग बाथ. ऑल ग्रोन अप गर्ल्स एंड वीमेन वर सीन टेकिंग बाथ विद ओनली शॉर्ट ड्रॉर्स, छोटे छोटे कच्चे पहन के. द रिमेनिंग बॉडी बींग नेकेड, मतलब लड़कियां भी ऊपर से नेकेड थी. लेखराज टू वॉज वेयरिंग ओनली ड्रॉर्स. द फीमेल बेदर्स नंबर्ड 6 ओनली अमंग whom 4 were grown-up girls and 2 women. 5 of these females were the pick of the members of the Om Mandali. मतलब चुनी हुई ये 6 लड़कियां थी और जिसमें से 4 लड़कियां थी, 2 women थी. No girl who was not taking bath was permitted to enter the bathroom. But I had gone there suddenly. मतलब ये जो लड़की लिख रही है 16 साल से कम की, 15.5 साल की है, ये अचानक से वहां पहुंच गई, इसको परमिशन नहीं थी क्योंकि जो नहाते हैं वो ही रहते हैं वहां. आई हैड गॉन देयर सडनली हैविंग रन अवे फ्रॉम माय हाउस. आई हैड -- अब ये आगे की बात नहीं बताई. आई हैड रिमेन्ड एट कराची इन द बंगलो वेयर किडनैप गर्ल्स वर कैप्ट बाय लेखराज. लेखराज हैड हायर्ड अनदर बंगलो ऑल्सो इन विच ही ओपन ओम निवास. बोथ दीज बंगलोज वर एडजॉइनिंग. I saw many indecent occurrences at Karachi in the 3 bungalows in the occupation and control of Lekhraj and his Om Mandali people. I had seen all this with my own eyes. मतलब ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये आई विटनेस है. I had peeped in. इसने ना छोटे से पर्दे के अंदर से देखा. I had peeped in through the curtain out of curiosity and then seen the ugly spectacle. इसने एक बहुत ही गंदी चीज देखी, यहां पर ये बताई नहीं गई इसने क्या देखा. आई हैड श्रंक बैक इन हॉरर ऑफ सीइंग द नेफेरियस एक्ट. इसने कुछ ऐसा देख लिया कि ये 15.5 साल की लड़की घबरा गई, डर के मारे दहशत में आ गई. लेखराज सस्पेक्टेड ऑन द मूवमेंट ऑफ द कर्टन. लेखराज ने देखा पर्दा हिला है तो उसको शक हुआ. दैट समवन हैड लिफ्टेड द कर्टन एंड हैंस ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग He had scolded all the girls sleeping in the hall for disturbing his sleep by peeing inside the curtain. I do not want to say further with regard to the incident of that night. My brother's wife had brought me to Hyderabad from Karachi. After a few days' stay at Hyderabad, consciousness dawned on me as to how I had been rescued from a living hell. बहुत है इसमें, 5 लड़कियों का है. अभी तो हमने दूसरी लड़की का पूरा किया, वो भी पूरा नहीं किया. इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी है. वाइल एट हैदराबाद आई यूज टू गो टू ओम निवास ओनली एट डे टाइम. आई यूज टू पास अबाउट 9 आवर्स डेली इन द ओम निवास. माई पेरेंट्स वर अपोज टू माई गोइंग टू ओम मंडली. आई फर्स्ट रिफ्यूज टू डाइवल्ज एनीथिंग ऑफ ओम मंडली टू माई पेरेंट्स एंड अदर्स एट हैदराबाद. आई टोल्ड देम टू गो एंड सी एवरीथिंग विद देयर ओन आईज एट द ओम मंडली. I had seen these some of the disgraceful things described by me. I did not disclose Om Mandali secrets to my parents because I thought these would shock my parents and they would feel enraged and compel me to leave Om Mandali. I was under a spell. Hypnotism hai ye. And hence I could not tell my parents of what I had seen in the Om Mandali. Court ko re-examination hua hai. दादा लेखराज हैड गॉट हिमसेल्फ फोटोग्राफ्ड एट कराची. इन वन फोटो देर इज सो शोन सोन एंड सेम मॉर्सल इन द माउथ ऑफ लेखराज एंड ओम राधे. इन अनदर फोटो लेखराज हैज ओम राधे ऑन हिज लैप. तो 2 फोटो मौजूद हैं जिसमें कि वो एक दूसरे के मुंह से कुछ खा रहे हैं, दूसरे में वो उसकी गोदी में बैठी है. वी यूज टू बी टेकन फॉर पिकनिक्स टू सी साइड. वी यूज टू डांस एंड मेक मेरी एट नाइट टाइम ऑन क्लिफ्टन सैंड्स. We used to return from beach at about midnight time. Lekhraj had told us once that he would take us out of Sindh to a country where we could not be molested by anyone. अब आप देखिए प्रवीण जी, ये जो नेक्स्ट है ये ओम राधे का खुद है डॉक्यूमेंट. ये ओम राधे का पिता है लेखराज. लेखराज इसको बेटी बोलता था ओम राधे को. रिलीजन लिखा इसने आत्मा, कास्ट आत्मा. अगर आप इसका पूरा जो ऊपर का पढ़ेंगे तो इसने बिल्कुल बच्चों की तरह स्टेटमेंट दिया है. और ये पागल थी लेखराज के पीछे, इसका रिश्ता था लेखराज से जिस्मानी. ये 23 साल की लड़की है और ये क्या कह रही है. ये ओम राधे तो वहां की मेन है ब्रह्म कुमारी. इसको बुलवाया गया था कि ये जो 5 लड़कियां आई हैं
इसकी गवाही दे कि ये ओम मंडली को बिलोंग करती हैं कि थी कि नहीं। तो ये कह रही है आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द ओम मंडली, द बेसिस ऑफ ओम मंडली टीचिंग इज दैट एवरी वन ऑफ गॉड एंड दैट ओम मंडली इटसेल्फ इज गॉड, ईच इनमेट ऑफ ओम मंडली इज ऑल्सो गॉड एंड सच ज्ञान इज टेकन बाय एवरी मेंबर ऑफ ओम मंडली। आई डू नॉट नो वेदास बिकॉज आई हैव नॉट रेड देम। आई टेक एवरी वन एज ब्राह्मिन, दैट इज गॉड। आई सी नो डिफरेंस बिटवीन वॉट आई कॉल माई ओन एंड ऑफ अदर्स। I see no difference between male and female. I cannot say whether there is any agitation among the people against Om Mandali. अब ये बहुत बड़ी चलाकी से क्वेश्चन के आंसर करेगी। इससे क्वेश्चन पूछा गया डू यू रीड पेपर्स, तो कह रही है आई हेयर नो ईवल, टॉक नो ईवल एंड डू नो ईवल। अगेन सेज आई रीड बट आई पे नो हीड, बट अगेन शी रिसाइड्स फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट टू गिव अ स्ट्रेट रिप्लाई वेदर यू रीड फ्रॉम द पेपर्स और नॉट। आंसर, आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव एनी अदर रिप्लाई देन द वन आई हैव ऑलरेडी गिवन। अगला क्वेश्चन, हु आर द मेंबर्स ऑफ द ओम मंडली एंड हाउ मेनी। मेल्स, फीमेल्स एंड चिल्ड्रन आर द मेंबर्स ऑफ ओम मंडली। दे आर ऑल नंबर अबाउट 200, अबाउट 60 और 70 आर नॉन रेसिडेंशियल मेंबर्स एंड द रिमेनिंग आर रेसिडेंशियल। द चिल्ड्रन रेसिडेंशियल मेंबर्स number about 40 or 50 and the residential adult females about 15 or 20 and adult males 10 or 12. The male children number about 10 or 12. Does the Mandali believe in enlisting more male or female members? We are indifferent whether the members enrolled are male or female as everyone is entitled to get gyan without any restriction of caste or creed. Are Bhai Bhans bearing any enmity towards Om Mandali? I cannot say whether Bhai Bhans are bearing any enmity as I consider everyone as Brahman. Brahm, have you taken Gyan? I still take Gyan. Do you consider Lekhraj as father? We consider him as Gyan father. Similarly, as Christ and Krishna are considered as father by their respective followers. What is the approximate expenditure per month of the Om Mandali? I am not prepared to answer this question. How many bungalows Om Mandali has hired in Karachi? 3 bungalows, 1 in Soldier Bazar and 2 at Clifton. Do you use antimony in the Mandali? Surma, I'm not prepared to answer this question. Again, she says we use not only ordinary antimony but also Gyan antimony, which was used by Krishna and Christ and Nanak and Muhammad also. Do you know hypnotism? I do not know what is meant by hypnotism, but I know hypnotism of Gyan. Every person is magician having Gyan, just as Christ and Krishna were. I know hypnotism which Christ and Krishna possessed. I picked up Gyan of Christ and Krishna in the Mandali. Do you fall in trance owing to this Gyan? I am in permanent trance like prophets on account of Gyan. Do you lose your consciousness on account of Gyan? We become conscious as well as unconscious at the same time. अब ये खाली जलेबियां बना रही है। जस्ट एज इन स्लीप अ पर्सन बिकम्स कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस। लॉर्ड कृष्णा हैज आल्सो स्टेटेड दैट बी ब्रह्मचारी व्हाइल लिविंग इन गृहस्थ एंड आल्सो बी नॉन ईटर एंड नॉन ड्रिंकर बाय इवन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मचारी एंड गृहस्थी? वी ऑब्जर्व नो सच डिफरेंस एज लोटस फ्लावर दो इन वॉटर इज ऑल्सो आउट ऑफ वॉटर। डू यू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? We believe first in Gyan and then in marriage as Sita and Ram had Gyan before they married. Do you believe yourself in marriage? We believe marriage is as mere companionship. Do you consider non-members as Gyanis? I cannot say anything about non-members. Do you permit? It is left to the choice of the member. Do you prevent minor girls from going to their parents? They are not prevented from going to the parents. Is your mother alive, member of Om Mandali? Yes. Since how long has Om Mandali come into existence? 3 or 4 years. Is one Mohammedan who is called Rishi also been given Gyan of the Mandali? Yes. Does he dress like a Hindu? Yes, he dresses like a Hindu. Was he given a separate room at Hyderabad? I do not remember. Has he been given a separate room at Karachi Omnivas? He is living there like others and has no separate room. He has got a separate room for living there. फिर बोली हाँ उसके पास separate room है. Do girls go to him in his room? I can't say whether they do or do not. Do you visit Rishi in his room? I can't answer this question.
इज ही मैरिड और अनमैरिड, ही मे बी आस्क्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन. हैज ही गॉट वाइफ, आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन. डज ही कंसिडर एवरी ग्रोन अप गर्ल एज हिज वाइफ. द ज्ञान ऑफ द मंडली इज दैट एवरी पर्सन मेल और फीमेल इज अ पुरुष एंड द होल प्रकृति इज हिज वाइफ. अब इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो बताया कि ऋषि ट्रांसलेट सिंधी डिस्कोर्सेस इनटू इंग्लिश एंड टीचेस चिल्ड्रन इंग्लिश. ही हिज नेम इज मुर्तजा. आई डू नॉट नो वेदर ही हैज पास्ड एनी एग्जामिनेशन, यानी कि वो पढ़ा लिखा भी नहीं है. ही जॉइंड अवर मंडली अबाउट 2 years अगो. ही मेसेस विद अस एंड हिज यूटेंसिल्स आर द सेम एज दोज ऑफ अवर्स. ही डज नॉट वर्क एंड हेंस नो रेम्यूनरेशन इज पेड टू हिम. ही इम्पार्ट्स ब्रह्म विद्या इन इंग्लिश. He freely mixes with the inmates of the Om Mandali. I do not know whether he is a previous convict. मतलब वो जो है सजा याफ्ता भी हो सकता है. I have got my faith in all scriptures including Granth Sahib. In our Mandali no scriptures of any religion is kept nor is any scriptures read. Oral discourses are given from Gita. I consider paying homage to Granth Sahib as idol worship. Similarly, I consider it idol worship to pay homage to any religious scripture as I am Aham Brahmasmi, Bhagwan, and hence I do not have not to bow before any scripture. I am different from the God as he is conceived because I am living and moving God. I cannot quote any relevant passage from the Gita in support of my above view, but if I look into Gita, I might find it. बहुत लंबा है, मैं थक गई. और भी लड़कियों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत बहुत लिखा है. अगर आप चाहें तो एक बार स्कैन कर लेते हैं. मैं इसको सारा नहीं पढ़ूंगी, मतलब इतना ही काफ़ी है. लेखराज के कैरेक्टर के लिए इतना ही काफ़ी है. लेकिन अब ये बता रही है कि तुम क्या वहाँ गई थी टेंपल सिख के, लॉर्ड कृष्णा डांस करता है, तो उसने कहा हम आत्मा हैं सारी. कौन कौन है वो मेरा स्पिरिचुअल फादर है इसलिए मैं उसकी गोद में बैठती हूँ. क्या दादा लेखराज एम्ब्रेस करता है लड़कियों को? यस. देखो ये कौन कह रहा है, ओम राधे कह रही है. क्या वो एम्ब्रेस करता है? तो वो कह रही है यस. इसको ऑब्जेक्शन, वी डू नॉट कंसिडर इट ऑब्जेक्शनेबल. क्या वो किस करता है लड़कियों को? डज दादा लेखराज किल्स किसेस गर्ल्स वाइल गिविंग ज्ञान? तो उसने कहा ही डज सो बिकॉज ही इज देयर ज्ञान फादर. हैज ही किस्ड यू इन ज्ञान? ही हैज किस्ड मी सेवरल टाइम्स. ये किस टाइप का ज्ञान है मेरे को प्रवीण जी आप बताइएगा, ये किस टाइप का ज्ञान है जिसके लिए किसिंग और एम्ब्रेसिंग करी जा रही है? डज ज्ञान इंक्रीज बिकॉज ऑफ किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग? दिस किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग हैज नथिंग टू डू विद ज्ञान बिकॉज ही किसेस एज अ फादर वुड किस हिज डॉटर. डू अदर मेल्स, बहुत कुछ है. क्या वो अपनी बेटी और बहू में फर्क करता है किसिंग और एम्ब्रेसिंग में? तो उसने कहा कि हाँ मैंने उसे प्यार करते देखा है लड़कियों को, पर ये नहीं पता वो और दूसरी वाली को करता है कि नहीं, तो इसे नहीं पता ये बात. हैज दादा लेखराज रीच द दैट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट वॉट एवर ही डज कैनॉट बी अ सिन? लॉर्ड कृष्णा न्यू दैट ही वॉज ब्रह्म आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन एंड हेंस वॉज अबव सिन. सिमिलरली दादा लेखराज ऑल्सो कंसिडर हिमसेल्फ एज ब्रह्म एंड अबव सिन एंड कैनॉट कमिट any sin. Does Dada Lekhraj pull the breast of girls? तो इसने तो मना करा है लेकिन लड़की ने देखा है, witnesses ने. कितने आपके पास सुरमेदानियां रखी हैं? 6 या 7 सुरमेदानियां रखी हैं. ये सुरमा लगाते हैं. Pulling of breast होती है? कह रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको बोला गया है कि यहाँ के अंदर की बातें नहीं बतानी है. क्या सारे इनमेट्स जो हैं वो सुरमा लगाते हैं? हाँ. किस एज पे बच्चों को एडमिट करते हैं? 5 साल में.
क्या लड़कियां जो है ट्रांस में आकर गोदी में गिरती हैं? हाँ। क्या छोटी लड़कियां भी गिर जाती हैं ट्रांस में? हाँ। ये देखिए, मंडली वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट एंड द केस विड्रॉन फ्रॉम कोर्ट। जी अभी के लिए इतना काफी है, बोलिए। मैं तो 50 मिनट तक बोलती गई हूँ। ये सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, डू दे हैव एनी सील और स्टैम्प और एनी ऑथेंटिकेशन बाय कोर्ट? एक्चुअली ये जो जो कोर्ट के वो हैं क्रॉस, ये पेपर्स हैं, इसमें से इन्होंने नाम उड़ा दिए हैं क्योंकि गर्ल्स को बदनाम नहीं कर सकते, और इन्होंने उसको एक बुकलेट के फॉर्म पर छाप लिया है। तो ये एक बुकलेट है, सो इट्स लाइक अ बुकलेट व्हिच हैज बीन कंपाइल्ड, somebody has compiled all the court statements and made it in the form of a book, a small booklet. नहीं, कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो दैट डॉक्यूमेंटेशन हैज ऑथेंटिकेशन सील्ड एंड स्टैम्प बाय द जज, और व्हाटएवर द जजमेंट इज गिवन, वर्डिक्ट इज गिवन, दैट इज टू बी कंफर्मड। ये जो है, ये उसके जो एक्चुअल उसकी कॉपी निकाल के इसकी बुकलेट बना ली है। आई डोंट नो, आई चेक यू। नहीं, दिस इज डिकॉक्शन, व्हाट आई फील। देखिए, डोंट कंसीडर मी एज बीके, एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग। आई एम नॉट कंसीडरिंग यू एज एनीथिंग, एंड इट डजंट मैटर। यस, व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट ट्रुथ, इट डजंट मैटर इफ यू आर बीके और नॉन बीके। अभी देखिए ये क्या लिखा है, बी सेटलमेंट अराइव्ड एज दो द इंटरवेंशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ हैदराबाद। तो यहाँ पर देखिए, मैं शुरू में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ओम मंडली, और ये किसी ने कंपाइल करा है, कमिटी ने ये कंपाइल किया है, और ये कोर्ट के जो वो हैं वो कंपाइल करें, इसमें सारे लॉयर्स के सबके नाम भी लिखे हुए हैं। तो नहीं, मुझे कोई नाम, हाँ आप उसका केस फाइल निकलवा सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये आर्काइव्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा है अंडर सेक्शन 112, ये देखिए सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आगे अगर आप पढ़ेंगे ये डेपोजिशन दिया गया है इसमें सारे, मैं आपको आगे ये फॉरवर्ड कर दूंगी, मुझे आप इसमें पूरा पढ़ लेना। एक मिनट में बोल लूं प्रीति जी, थोड़ा इसी टॉपिक पे। जी बोलिए। मैं ये मैंने कहना चाह रहा था कि जैसे कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगे थे इनके ऊपर उस टाइम, तो ये उधर भी काफी इनके अगेंस्ट में आर्य समाजी भी खड़े हो गए थे, और जनरल सोसाइटी के जो एलाइट क्लास था वो भी इनके अगेंस्ट में उस टाइम खड़े हो गए थे प्रवीण जी, और धीरे धीरे इनका इतना ज्यादा विरोध शुरू हुआ था कि इनको अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया था, और ये जो उस टाइम जो ये दादियां, आज की जो दादियां, उस टाइम जो कन्याएं थी, वो वहां जाके चुपके से उनके मुरली में, कोई बाथरूम में जाके उनके मुरली डालता था, कोई उनके घर में चुपके से मुरली देता था। ये शायद आपको, आपने सुना है कि नहीं सुना, लेकिन ये मैंने सुना था, इनकी वरिष्ठों की क्लासों में ये बताते थे लोग। तो उसका रीजन यही होगा कि इतना ज्यादा इनका अगेंस्ट में इनके लोग भी खड़े हो गए थे और कोर्ट केसेस भी चल रहे थे, और कॉन्सिक्वेंटली धीरे धीरे क्या हुआ कि इन लोगों को वहां से मूव करना पड़ गया। मूव पहले वहां से वो कराची चले गए, वहां से फिर वापस वो आए, और फिर अल्टीमेटली उनको पार्टीशन के बाद इंडिया का रुख लेना पड़ा, क्योंकि इसके वहां बाद के मेघराज पर रेप के चार्जेस लगे थे, फिर वो सोच रहा था मैं लंदन हाँ, भाग जाऊंगा। मतलब वो सब जैसे आज की तारीख में, ये एक्सट्रैक्ट है, हाँ, जैसे मतलब, आज की तारीख में विजय माल्या वगैरह है जो पूरा क्राइम वगैरह कर देते हैं, और जब देखते हैं कि अब यहाँ से एस्केपिज्म बहुत मुश्किल है, तो वो लोग कंट्री छोड़ते हैं। तो एक तरीके से यही हुआ है इनके साथ में। तो धीरे धीरे जब इनकी क्लासेस होगा, आप थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा रिलेवेंस क्या है, समझ में आएगा उनको उन्होंने क्या है व्हाइट वॉश करके उसको अच्छे से प्रोजेक्ट करके शुरू कर दिया है, कि देखो ये बांदेलिया, उनको नाम अच्छे से दे दिए कि बांदेलिया कितनी सताई जाती थी और ऐसा होता था, फिर भी वो मुरली के पीछे दीवानी थी उनको। लड़की ये भी तो उसने डेपोजिशन में ये बोला है कि ये हमको एक ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां पर मतलब सब तरफ पहाड़ियां होंगी और वहां पर हमें रखेगा, तो ये प्लानिंग कर रहा था कि यहाँ पर केस चलेगा, तो वो एक क्लोज्ड जगह पे रखना चाहता था इन लड़कियों को, वहां पर ले जाने का इसका प्लान था। देखिए, अभी अभी आपने जो केसेस के पेपर्स जो पढ़े, तो 15 इयर्स 15 एंड हाफ इयर्स 16 इयर्स, मतलब वो माइनस है, तो ये पीडोफाइल का केस बन जाता है, राइट? बिल्कुल। और अगर ऐसा है
तो डेफिनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट हो या जो भी तब का गवर्नमेंट है, अगर ये सच में अगर ये क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो आज की इंडियन गवर्नमेंट के पास भी उसका समन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बताती हूँ आपको, इसने चुपचाप इसने अपना नाम चेंज कर लिया, इसने जो है पहले इसने अपना ओम मंडली, इसने अपना नाम दूसरा रखा था, यहाँ पर आके एक इसने प्रजापति से प्रजापिता भी कर लिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी चेंज कर लिया, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, मैं इसको पढ़ रही हूँ। देखिए नाम चेंज करने से लॉ कभी छोड़ेगा नहीं किसी को, लॉ नहीं छोड़ेगा। तो डेफिनेटली क्या होते हैं, जब आप अमीर होते हैं, आप पे बहुत पैसे होते हैं तो लोगों को खिला देते हैं लोग, और इसके बारे में यहाँ इंडिया में नहीं पता। प्रवीण जी, प्रवीण जी, आज की तारीख में अगर आपको फुल अथॉरिटी दे दी जाए तो क्या आप विजय माल्या और जो ये नीरव मोदी है इनको जाके पकड़ सकते हैं, या दाऊद इब्राहिम को पकड़ सकते हैं जो दूसरी कंट्री में एस्केपिज्म लेके बैठे हुए हैं? देखिए बट दे आर बीइंग फॉलोड, देयर एक्टिविटीज आर बीइंग ट्रेस्ड आउट। सुनिए प्रवीण जी, मैं आपका आंसर करती हूँ। बात यह है कि ये जो भी इसने कार्यकलाप किए थे, ये उसके पाकिस्तान तक ही लोकलाइज्ड थे, किसी को पता नहीं था आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। तब ये जब माउंट आबू आया तो यहाँ के लोगों के गवर्नमेंट को नहीं पता था कि ये सब है। वो जो केसेस थे इसके हैदराबाद सिंध में था, तब इंटरनेट और ये दुनिया इतनी डिजिटलाइज्ड नहीं थी और लोग इतना ज्यादा नहीं जानते थे, एक जगह के क्राइम्स को दूसरी जगह नहीं जानते थे। नहीं प्रीति जी, मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ या सतीश जी आपके सामने भी, कि वी आर हैविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स एंड वी आर ब्रिंगिंग देम टू पब्लिक। ओके, कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे भी अपने शोल्डर पर बहुत सारा एक प्रेशर फील हो रहा है अभी, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने किसी भी लूज एंड को हमने छोड़ दिया डिस्कशन में और एक पर्टिकुलर पॉइंट अपने प्रेजुडिस के हिसाब से अगर हम बोलते गए तो देखिए, हमने अपने प्रेजुडिस के हमें क्यों क्यों मिलेगा, हमें क्या पैसा मिल रहा है? Why do you think we are prejudiced? What makes you think we are prejudiced? देखिए प्रवीण जी, मैं तो ब्रह्म कुमारी में ना तो थी, ना मैं कोई पीड़ित हूँ, आई मीन ना ही मेरा चैनल पैसे बना रहा, मेरा बिल्कुल चैनल पर कोई फाइनेंशियल डेटा नहीं है, it's a totally free, I pay from my own pocket, I want to bring justice to people who are really been unjustly hurt, to main khali ye ek seva ke bhav se kar rahi hu, mujhe koi bhi benefit nahi hai, mujhe prejudice, mujhe kisi bhala vyakti jo logon ko itna bada rajyog kara raha hai, bada acha lok kalyan kar raha hai, mujhe kya zarurat hai main unke khilaf bolu aur faltu mein, मुझे क्या जरूरत है? आपसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं किसी के भी व्यक्ति के प्रति, या जो है एक उंगली अगर आप करते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ आती हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक जिसको लोग सेंट कह रहे हैं, मैं उसके लिए जब बोलती हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है आपसे कहीं ज्यादा, क्योंकि मैं ये चैनल पे बोल रही हूँ, आई टेक टोटली अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, मैंने पूरी रिसर्च करी है प्रवीण जी, और जितना खोती जाती हूँ उतनी ही गंदगी घिनौनी बदबू आती है। नहीं प्रीति जी, यहाँ पर डेफिनेटली व्हाट यू आर डूइंग इज आई अप्रिशिएट योर एंडेवर, बट यहाँ पर मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये कोर्ट का मामला है तो क्या इसका प्रोसिक्यूशन ये कंटिन्यू हुआ? अगर इतना बड़ा संगीन जुर्म है तो इसके केसेस कहीं ना कहीं निकलने चाहिए थे और पुलिस इंक्वायरी या बाकी के केसेस होने चाहिए थे। इंडिया में नहीं था, ये सिंध में था और इन्होंने केस क्लोज कर, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, नहीं ऐसा नहीं है, अब जमाना ऐसा है, उस समय नहीं था। और आप हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस जी पर जो केस लगा था तो तब उन पर जापान से लेके सब जगह पर, सुनिए सुनिए, एक चीज को दूसरे से नहीं जो होता है ये मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं, डिस्कशन में रेफरेंसेस आएंगे, देखिए मैं आपको डिस्कशन में रेफरेंसेस आएंगे, नहीं नहीं डिफरेंसेस की बात नहीं है, यहाँ पर देखिए ये सब के फोटोग्राफ्स दिए, रेफरेंसेस जो लोग आए थे उन सबके फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं यहाँ पर, साधु वासवानी ये और तब के इन सब लोगों के जो इस ट्राइब्यूनल में थे उनके फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं इसमें। अच्छा एनीवेज, मैं ये कह रही हूँ, मैं एक चीज और बता दूं फिर आप बोलना,
इसमें लिखा हुआ है कि द केस वॉज क्लोज्ड और उसको ओम मंडली बंद करने को कहा गया, तो केस क्लोज हो गया। केस क्लोज क्यों हुआ फिर, अगर ये इतना संगीन जुर्म है? क्योंकि ये संगीन जुर्म था, उसके खिलाफ जो है दो लेडीज जो थी, धनिया नाम की और एक और स्त्री का, इसने अपहरण करके, सबसे पहले जब इसने ओम मंडली स्टार्ट भी नहीं की थी तभी से इसने उन लेडीज का अपहरण किया था, उन्हें होस्टेज रखा था, रेप किया था, उसके ऊपर केसेस थे इस बात के। और ये दूसरी जगह की बात थी जो कि इनको इस जगह पे नहीं पता चली थी। और ये जो इसने बोला ओम मंडली क्लोज कर दो, इसलिए केस क्लोज हो गया, पर इस पर वो केसेस चालू रहे रेप के। नहीं, आप, मैं आपको दिखाऊंगी रेप के केसेस। व्हाई आर यू ट्राइंग टू डिफेंड अ क्रिमिनल? नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड अ क्रिमिनल। यू आर ट्राइंग टू डिफेंड अ क्रिमिनल? नो, यू आर ट्राइंग टू डिफेंड अ क्रिमिनल। व्हेन डॉक्यूमेंट्स, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स? ऑथेंटिसिटी ये है कि इसमें लिखा हुआ है सारी इंफॉर्मेशन। नो, दैट कुड बी प्रीकंसीव्ड। लोगों ने इसको अपोज करना चाहा, इसलिए अपोज किया। नहीं, क्यों अपोज करना चाहेंगे? कोई अगर अच्छा काम करवा रहा है तो? नहीं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो लोग क्यों अपोज करेंगे? नो, आई डोंट अग्री विद यू, यू डोंट हैव एनी पॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं है प्रीति जी, देखिए, आप जबरदस्ती एक क्रिमिनल को डिफेंड करना चाहते हैं। नहीं, आप क्रिमिनल कैसे बोल सकते हैं जब क्रिमिनल? No. मैंने उसका अखबार, मैंने उसका वो भी पढ़ा था, अभी मैं वही ढूंढ रही हूँ। अरे आप पढ़ेंगे, देखिए पेपर में बहुत सारी चीजें लिख के आती है, क्या सही रहती है? सब कुछ डिनाई करती हैं। अगर कोर्ट भी आके आपके सामने बोल देगा ना कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये है, तो आप बोलेंगे कि आप झूठे हो। अरे नहीं प्रीति जी, में आते हो प्रीति जी, मेरा पॉइंट ऑफ आप लोग उस, देखो मैंने यहाँ पर ये सारा डॉक्यूमेंट ठीक से स्टडी किया है, ये एक्सपर्ट्स हैं कोर्ट के, ये कोर्ट के ओरिजिनल पेपर नहीं है। अरे लेकिन कोर्ट का सील या साइन, वहाँ पर जज का कोई साइन सिग्नेचर क्लोजिंग होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग का क्लोजिंग होता है। अभी सुनिए, दोबारा से सुनिए, ये कोर्ट के एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। आप निकाल लीजिए, आई बिलीव इन दीज एक्सपर्ट्स। क्योंकि सुनिए, क्योंकि ये भी एक ट्राइब्यूनल ने निकाले हैं, ये जो भी एक्सपर्ट्स हैं कोर्ट के, ये भी ट्राइब्यूनल ने निकाले हैं। उन ट्राइब्यूनल मेंबर्स की सारों की पिक्चर्स दी हुई है इसमें, उन सबके नाम दिए हुए हैं, उन सबके डेट और जो केसेस किस दिन हुए हैं वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, एंड आई बिलीव इट। अगर आप ठीक है, आप बोल रहे हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंटली आप बोल रही है, ठीक है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट दिस आर एक्सर्प्ट्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्राइब्यूनल, उनके मेंबर्स की फोटोग्राफ सब कुछ दिया हुआ है, एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। अगर आप बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, ज्यादा बार बोलने से वो सच नहीं बन जाएगा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी देखिए, अभी हमारा ये स्ट्रीमिंग हो रहा है, अगर कोई इसका फोटोग्राफ निकाल के कुछ राइटअप करता है तो कैन वी प्रूव दैट वी हैड नॉट डिस्कस्ड दिस पॉइंट? नो, दिस इज 1939 के केसेस हैं ये, आप जाके निकलवा लीजिए और आप बताइए अपनी तरफ से, लेखराज बड़े अच्छे कैरेक्टर का था, गिव मी प्रूफ। आई हैव गिवन यू प्रूफ दैट ही वाज अ बैड कैरेक्टर, नाउ यू गिव मी प्रूफ। दिस इज नॉट कंप्लीट प्रूफ, दिस इज नॉट द कंप्लीट। हमने आज बात करी थी विद एविडेंस वी आर गोइंग टू टॉक, मैंने अपना साइड का रख दिया, नाउ यू प्रूव इट दैट दीज आर रॉन्ग। यू प्रूव दैट लेखराज वाज ऑफ गुड कैरेक्टर, यू प्रूव इट डेफिनेटली। देखिए मैम, देखिए, इस डिस्कशन को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहती है तो डेफिनेटली देयर शुड बी स्कोप फॉर मी टू स्पीक अबाउट। अगर आप बोलेंगे कि आई एम नॉट हैविंग एनी दिस थिंग, योर फीलिंग्स आर नॉट, यू हैव टू गिव एविडेंस। सुनिए, यू कैन नॉट से एविडेंस, आई डोंट वांट स्टोरीज, आई डोंट वांट स्टोरीज। नहीं नहीं, स्टोरीज नहीं, स्टोरीज नहीं, आई डोंट वांट स्टोरीज। यू गिव मी स्टोरीज नहीं, स्टोरीज नहीं, यू गिव मी 1930s का या उस समय का ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर आइए जो प्रूव करता है कि लेखराज बड़ा अच्छा था। ये जो गलत, अभी आप जो बोल रहे हैं कि लेखराज जी गलत थे, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, तो ये एविडेंस आप गलत कह रहे हो, उसका प्रूफ करो ना। ये एविडेंस सही नहीं है, ये एविडेंस है ही नहीं है कोई। देखिए किसी पेपर, नहीं,
अगर होता तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स होते मैम, कोर्ट के लिखे हुए एक्सर्प्ट्स। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सर्प्ट्स? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सर्प्ट्स? यस आई डू एग्री एंड आई डू अंडरस्टैंड। एक्सर्प्ट्स का मतलब क्या होता है? व्हाई आर यू सेइंग दैट? No, are that these is people what? Stupid that they will take out pages after pages of excerpts and give the photographs of all the tribunal members? अरे मैम, किसी को tarnish करना है, किसी की image को tarnish करना है, तो कुछ किसी को ये झूठ बात है। अरे किसी को, अरे नहीं करेंगे। No, 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 this is not done. आपके करने से नहीं, not done क्यों? बिल्कुल। Why you are so? Because you are trying to say कि वर्ल्ड में सारे लोग दूसरे को नोचने बैठे हैं, just because क्यों बैठेंगे? लेखराज ने उनका क्या बिगाड़ा है? Why should somebody be? हाँ, क्योंकि पवित्रता की जब बात आई थी तो बहुत सारे families उसके अगेंस्ट हो गए थे। क्यों हो गए थे? ये हाँ, क्योंकि पवित्रता मतलब वो फैमिलीज ब्रेक हो रहे थे कि सेक्सुअल कांटेक्ट वो हस्बैंड वाइफ वगैरह ये कम होने लगा। ये लड़की ने डेपोजिशन दिया है कि ओम मंडली के अंदर लोग सेक्स कर रहे थे। अरे नहीं, अरे ये झूठ मूठ का किसी ने उसको केस को बढ़ावा देने के लिए उकसाया होगा। सतीश जी, आपका क्या कहना है, बोलिए। मैं देखिए, ये लीगल पॉइंट मान नहीं रहे। मैंने पहले ही बोला था, ये क्या है कि हर चीज को ये लोग सीधे सीधे रिफ्यूज कर देते हैं, बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं। मैं बीके पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे थोड़े पॉइंट रखना चाहूंगा। इनसे ये बीके को मानते हैं, बीके की चीजों को मानते हैं, बीके के ज्ञान को मानते हैं, तो बीके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं इनके सामने दो तीन पॉइंट रखना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट की तुम्हारी जो भी इनकी नॉलेज की ओरिजिनलिटी क्या है, लेखराज ने कौन सा स्क्रिप्चर लिखा है या राजयोग लिखा है, वो ब्रह्म कुमारी का ओरिजिनलिटी ऑफ नॉलेज का प्रूफ दीजिए। इन्होंने अभी तक एक भी प्रूफ नहीं दिखाया। सतीश जी, मैंने तो प्रूफ दिखाया ना, अब ये मेरे प्रूफ को झुठला रहे हैं, तो व्हाई डजंट ही शो हिज ओन प्रूफ? आपका प्रूफ को ये सिरे से खारिज कर रहे हैं ना कि ये ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसमें स्टील ठप्पा नहीं है, कुछ नहीं है, इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। जैसे उसमें कितनी भी सत्यता हो, नहीं मानेंगे, क्योंकि वो खारिज करना ही पड़ेगा। मैं ये कह रही हूं कि मैं बीके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रखना चाह रहा हूं। प्रीति जी, पर मुझे एक नहीं, ये नहीं, आप अगर बीके के अगेंस्ट बोल, एक बात सतीश जी, इनसे ये अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मेरे को एक मिनट बोलने दीजिए, मेरे को एक मिनट दीजिए। नॉलेज है ब्रह्म कुमारी की, ये ओरिजिनल ब्रह्म कुमारी की नॉलेज है जो आप इम्पार्ट करते हैं, इसकी एविडेंस दीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है। एविडेंस का मतलब यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो मैं नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकते? वही दिखानी पड़ेगी आपको, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये जो ब्रह्म कुमारी राजयोग सिखाती हैं, ये राजयोग जो है नॉलेज इन्होंने डिस्कवर करी थी। यस, डिस्कवर बिल्कुल की है, क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतने सारे लोग जो इस ऑर्गेनाइजेशन में है, क्या सारे के सारे बुद्धू है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अलग अलग कंट्रीज से भी मेंबर्स हैं, कल्ट मेंबर्स हैं, सारे कल्ट मेंबर्स हैं। देखिए, कौन कल्ट नहीं है, कौन कल्ट नहीं है? देखो, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू शो मी। नहीं, मुंह से नहीं, फिर ये नहीं, अगर हम ये बोले कि हाँ सभी बुद्धू हैं, तो आप क्या मानेंगे इस बात को? हाँ, हम हमारी नजर में तो सभी बुद्धू हैं। हाँ, देखिए देखिए सतीश कुमार जी, आप या सतीश भाई जी, सुनिए, हम यहाँ पर अपने अंदर या अपने बीच में यहाँ ये कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह नहीं लाए तो अच्छा है। मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहा हूँ कि आपने दो पॉइंट्स मुझे दिए थे, फाउंडर ऑफ फेथ विद लेखराज कृपलानी कैरेक्टर एंड डेट्स और मिस डेट्स विद एविडेंस। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैंने ये बोला कि अगर कोर्ट ने केस क्लोज किया तो कोर्ट तो पागल नहीं है ना, केस कैसे क्लोज हो सकता है, इतना बड़ा जुर्म हो रहा है तो। स्टॉप देयर, ना तो आपने पहले वाले पॉइंट का कोई भी अपनी तरफ से प्रूफ दिया कि लेखराज वाज ऑफ गुड कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इन दोस टाइम्स। अगर एक व्यक्ति अच्छा काम स्टार्ट करता है तो सब लोग उसको अच्छा ही करते हैं, दे डोंट स्टार्ट सेइंग कि ये आदमी बुरा है, ये आदमी बुरा है और विशेष हो जाते हैं। सो यू फेल्ड टू प्रोवाइड एनी एविडेंस इन फेवर ऑफ लेखराज, नॉर यू कुड प्रोवाइड एविडेंस दैट माई कोर्ट एक्सपर्ट्स आर रॉन्ग। जो भी आपने बोला, मुंह जबानी जमा खर्च है, यू हैव नो प्रूफ।
अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पहले पॉइंट को छोड़कर, तो दूसरे पॉइंट में भी आपने ये जो है कोई प्रूफ नहीं दिया कि राजयोग एक्चुअली में वॉज डिस्कवर्ड बाय लेखराज। यू हैव टू प्रोवाइड मी एविडेंस, जो मुंह जबानी जमा खर्च नहीं चाहिए, यू हैव टू गिव मी द एविडेंस ऑफ राजयोग क्रिया डिस्कवर्ड बाय लेखराज, गिव मी एक्चुअल प्रूफ। देखिए इस दुनिया में हर एक चीज का प्रूफ अगर देना है तो प्रूफ हमें मिली भी नहीं सकता। आइदर यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ, मैं क्या बताऊं, सॉरी टू से दिस, मतलब आपके आपको आपके मन के हिसाब से अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे को गलत बोलेंगे। देखिए आप अपने चैनल, सॉरी, डिबेट जो होती है ना वो प्रूफ पे होती है। You have failed to provide any proof, and when it comes to asking for proof, you are telling me कि proof तो होता ही नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि पतंजलि का जो राजयोग है, ये पतंजलि ने discover किया था 11th century में। और दूसरी बात, पतंजलि ने discover किया था और विवेकानंद जी ने एक किताब लिखी है, जो किताब मेरे पास है, जिसका नाम है राजयोग। और ये लेखराज के जन्म से भी पहले की है। अब चोरी किसने करी? लेखराज ने। चोर कौन है? लेखराज। प्लेजराइज किसने किया? लेखराज ने। देखिए मैम, कल आपने बोला था कि आई एम नॉट हैविंग एनी पर्सनलाइज्ड ओपिनियन अबाउट एनीवन, बट यू आर पर्सनलाइजिंग द थिंग। नो आई एम नॉट, चोर को चोरी बोलूंगी। यस, चोर को चोरी बोले जाएगा। आई विल शो यू द बुक, आई विल शो यू द राजयोग बुक। एक सेकेंड, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ राजयोग बुक। ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, राजयोग जो है बुक विवेकानंद ने पतंजलि से निकाली थी। अगर आप विकिपीडिया भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उसमें हठ योग भी बताया था। ये देखिए मैं आपको प्रूफ देती हूँ, मैं कोई भी चीज बिना प्रूफ के बात नहीं करती हूँ। आप राजयोग इस पर देखिए विकिपीडिया पे, तो यहाँ पर देखिए योग सूत्र पतंजलि के थे, ये 11th सेंचुरी मुझे इतना याद है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद इक्वेटेड राजयोग विद द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि। स्वामी विवेकानंद ने किताब लिखी है राजयोग। एक्चुअली में वो मेरे पास है भी, रुकिए मैं एक दो मिनट मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, तब तक सतीश जी बोल लेंगे। बोलिए सतीश जी। प्रवीण जी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चलो आपकी बात मान लो, और चलो स्टैंप वगैरह नहीं, जबकि ये पूरा वेल प्रूवन है। अभी आपको एक डॉन पेपर का भी आपको हम बताएंगे, जिसमें वेल प्रूवन था कि ओम मंडली को बंद क्यों किया गया और फिर उसके बाद क्या हुआ। ये मेरे को मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो लोग फिर यहाँ पे इंडिया में शिफ्ट होने के लिए पीछे क्या था, जब वहां पे पूरा जब यहाँ पे वो लोग वेल एस्टेब्लिश हो रहे थे और सबको वो ज्ञान दे रहे थे, गीता ज्ञान दे रहे थे, तो इंडिया में मूव होने के पीछे उनका क्या रीजन था, वो क्यों इंडिया में मूव है, जबकि परमात्मा के महावाक्य है, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मानता नहीं। आज के इसमें तो ये जोर शोर से ढोल ढोल पीट पीट के बोलते हैं कि भगवान की अवतरण भूमि सिर्फ एक ही हो सकती है, वो है माउंट आबू। लेकिन वो भगवान कोई अपनी जगह बार बार बदलते नहीं है, लेकिन इन्होंने वहां से क्यों बदली फिर जगह, ओम मंडलिक नाम क्यों बदला, फिर पहले प्रजापति बोलते थे, अभी प्रजापिता क्यों बोलने लगे। ये सारे रीजन ये इसीलिए है कि ये लोग फंस गए थे केसेस में, और इनको अपनी सारी टर्मिनोलॉजी चेंज करनी पड़ी, जगह चेंज करनी पड़ी, और फिर इनको नए सिरे से इन्होंने अपना एक नए सिरे से वो मतलब अपना ज्ञान देना शुरू किया यहाँ पे इंडिया में आके इन्होंने देखा कि यहाँ पे गीता फॉलोअर्स बहुत है, शिव के फॉलोअर्स बहुत है, शिव को मानने वाले बहुत है। आज की मुरली भी आपने पढ़ी होगी, तो आज की मुरली में क्या बोला है कि शिव के मानने वालों को मंदिरों में जाके मेरा परिचय दो, ये इस टाइप से। तो ये क्या है, धीरे धीरे इन्होंने अपना ज्ञान चेंज किया, और धीरे धीरे जब लोग राजयोग, ये स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि रोग सूत्र पर ये किताब लिखी है। हाँ। ये फ्रीली अवेलेबल है पीडीएफ, ये देख सकते हैं, पुरानी बहुत पुरानी किताब है। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी पतंजलि में भी है, और इन्होंने फिर इसको बोला कि इसको चेंज कर दिया इन्होंने, मतलब हर चीज को जो है चेंज करके, कि राजाओं को राजा बनाने वाला ये राजयोग है ये, और ये इसको भी बोला है कि यही सच्चा राजयोग है। जैसे सच्ची गीता पढ़ी है, इस्लामियों ने हमारे मंदिर को तोड़ तोड़ के ऊपर से जो है मस्जिद का गुंबद लगा लिया और अपना बना लिया, ये वही बात है। आगा खानी और ये जो आगा खानी और लेखराज, ये दोनों तो मिले हुए हैं, आपको पता ही है, मैं पहले कई स्ट्रीम्स कर चुकी हूँ, आपको रिलेशनशिप दिखा चुकी हूँ, मुखी का
अच्छा और जी, मैं आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा आप अनबायस होकर के भगवत गीता को लेकर उसमें बीच बीच में अल्लाह घुसेड़ दिया है, तो आप साक्षी होकर ये समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे प्रीति जी जो है और बहुत सारे लोग हैं जो पूरा रिसर्च करके बैठे हुए हैं इसके ऊपर, केवल सिरे से खारिज देने कर देने से बात नहीं बनती है, उसके पीछे एविडेंसेस लाइए, एक एक पक्के सबूत लाइए तो समझ में आएगी चीज। और जब आप खुद ही सब सबूत ढूंढने जाएंगे ना तो आप खुद ही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये जो है पूरा मिथ्या है और पूरा फेक है। जब आप खुद खुले दिमाग से इनके पीछे के जो एविडेंसेस लेने जाएंगे आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, तो आप खुद ही जब क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग करेंगे ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यार ये गलत चीज है। इनको फॉलो तभी किया जा सकता है कि जब आप पूरी तरीके से इनका हाजी का पार्ट बजाओ, जब आप इनका ब्रेन वॉश होके चलो। हमारी गीता चुराई, इसने हमारी गीता चुराई लेखराज ने, और यहाँ पर क्या लिखा है कि दूसरे अध्याय का 33वां जो है वो श्लोक है, किंतु यदि तू गेटवे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों की हिंसक धर्म वृत्ति के पाप का ही भागी बनेगा। ब्रैकेट लगा लगा के इसने अल्लाह अव्वल दीन ठूसा, इसने मुर्तजा नाम के एक मुसलमान को छोटी बच्चियों को इंग्लिश सिखाने के लिए रखा जो कि एक प्रीवियस कॉन्विक्ट हो सकता था। पार्शियल टू एनीवन, आई एम वेरी न्यूट्रल, मैं ये बोल रहा हूँ कि यू आर नॉट, यू आर पार्शियल टू बीके, यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। अरे नहीं, नॉट अ नॉर्मल पर्सन, अरे यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन एंड यू आर एब्सोल्युटली नॉट अ न्यूट्रल पर्सन। I am neutral. You are not ready to accept it. You are not. देखिए, अगर मान लीजिए न्यूट्रल, अगर कोई न्यूट्रल व्यक्ति होता तो वो जो है प्रमाण देता, अपना जो भी पॉइंट रखता उसका प्रमाण देता, नहीं तो वो मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए ना। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आप मेरे से प्रमाण मांगेंगे तो वो तो मेरे पास है नहीं। देखिए, सुनिए, कल आपने वो कमर्शियल पर आपने बोला था, मुझे कल पॉइंट याद नहीं आया, मुझे बताइए। हम लोग जो सनातनी करते हैं मंदिरों में पखवाज तबला वगैरह, ये क्या ढोल ताशा ये जो बने जाते हैं वो कातड़े से ही बनाए जाते थे, तो उसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। नहीं, एस्पेक्ट देखिए, हम अगर किसी पर उंगली उठाएंगे, हमने अच्छा टॉपिक फिक्स किया हुआ है, यू आर ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक, नो यू हैव, आपके पास कोई भी प्रमाण है किसी भी चीज का? मुरली खुद है, आप मुरली उठाइए, मुरली दिखाइए, आप मुरली ओपन करिए, मेरे पास अभी नहीं है सारी मुरलियां, कोरी करी हुई है, मैंने मुरली जो भेजी है ना मेल पे, और वेदों से मुरलियां चुरा चुरा के उसमें अपना डिस्टॉर्ट करके जो है वर्जन लिखा है। मैंने मेल पे जो मुरली भेजी है ना उसको ओपन करके आप डिस्कस कर लीजिए, उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उस पर भी डिस्कशन कर लीजिए, 10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा उसमें टाइम। देखो लेखराज ने कोई किताब नहीं लिखी, उसने कुछ नहीं लिखा, लिखने की जरूरत भी नहीं है मैम। हाँ, दूसरों का जब चोरी करने को मिल रहा है तो लिखने की जरूरत क्या है? चोरी नहीं, इसके पीछे का सत्य आप जानना ही नहीं चाहते हो, आप अपना ही पॉइंट रख रही हैं। वेद हैं हमारे पास, वेद, अरे वेद, अरे मैम एक बोलिए, एक मिनट, वेद जो है सृष्टि के समय दिए गए थे, जो सृष्टि बनी थी ईश्वर की वाणी है, वो मनुष्य का लिखा ग्रंथ है ही नहीं, तो हम ईश्वर की वाणी सुनेंगे या उस अपराधी लेखराज की बात सुनेंगे? वेद व्यास ने महाभारत लिखा, राइट, दिखाइए प्रूफ। वेद व्यास ने केवल कंपाइलेशन किया, आप इतना बड़ा ब्लंडर, आपने ये स्टेटमेंट रॉन्ग कहा है, मुझे लिखा हुआ दिखाइए हमारे ग्रंथों में कि वेद व्यास ने गीता लिखी है। आपको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है, ये इतनी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है कि वेद व्यास ने केवल कंपाइलेशन किया है, उन्होंने जो है वेद नहीं लिखे हैं, महाभारत लिखी है वेद व्यास ने, वेद नहीं लिखे हैं, समझ में आया? अब सतीश जी आपके दो ईमेल्स मेरे पास आए हैं, कौन से वाले डॉक्यूमेंट के बारे में आप कह रहे हैं? आप सुनना नहीं चाहते जिसमें पोस्टर और मूवी अटैच, बोल रहे हैं तो यू हैव टू बी करेक्टेड। नो,
यस नो। अच्छा ठीक है, तो आप नो का प्रूफ दिखाइए ना, आप नो का प्रूफ दिखाइए। आई विल शो यू प्रूफ ऑफ। प्रीति जी इन्हें के डॉक्यूमेंट बताइए ना, बीके के ही डॉक्यूमेंट इनको रखिए ना इनके सामने। रखती हूँ। जो इन्होंने अभी बात कही है सतीश जी, हाँ? कि वेद व्यास ने वेद लिखे हैं, वो मुझे लिखा हुआ दिखाइए। वो हमारे ग्रंथों में से लिखा हुआ दिखाइए, वेदों में लिखा हो कि ये वेद व्यास ने लिखा है, दिखाइए। मैं आपको दिखाती हूँ कि वेद व्यास जी ने केवल कंपाइलेशन किया है, उन्होंने ये ग्रंथ वेद नहीं लिखे हैं। वेद ग्रंथ बृहस्पति देव ने दिए हैं और उसका रेफरेंस है ऋग वेद 10.71.1। मैं आपको जो है वो रेफरेंस दिखा सकती हूँ, एक सेकंड लगेगा मुझे दिखाने में। मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है, वेदों में लिखा है कि वेद किसने दिए हैं, ये बात वेदों में ही लिखी हुई है। और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ वेद जो है वो, ये देखिए, ये है वेद ऋग्वेद 10.71.1 सृष्टि के आरंभ में। अब यहाँ नीचे की दो लाइनें पढ़ देती हूँ, पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। प्रभु से दी गई वेद वाणी ही इस सृष्टि के प्रारंभिक शब्द थे, सर्वश्रेष्ठ हृदयों में इसका प्रकाश हुआ और उनके द्वारा इसका विस्तार हुआ। किन ऋषियों को दिए गए थे? अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा। यहाँ से देखिए, उनमें से श्रेष्ठतम चार। इसमें भी स्टैंप पैड नहीं है, किसी के पास स्टैंप नहीं है, ये फेक है, इनका रिप्लाई यही आने वाला है, इसलिए आप इस पे टाइम वेस्ट मत करिए, इनकी मुरली खोलिए। मुरली भी फेक है, मैं भी फेक हूँ, आप भी फेक। मुरली तो इन्हीं की है, इन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड की है, इन्हीं की वेबसाइट से वो डाउनलोड किया, पोस्टर भी है, उस पर डिस्कस कर लीजिए। कौन सा वाला खोलूं? आपके दो है मेरे पास ईमेल। देखिए, एक पोस्टर है और एक मुरली है, दोनों दो अटैचमेंट है उसमें। ये वाला? हाँ, ये नहीं है, एक और है पुराने ओल्ड वाली है। एक मिनट एक डॉक्यूमेंट भी है इसके साथ अटैच्ड। हाँ, ये दोनों ओपन कर लीजिए। हाँ, अब इसमें जो पोस्टर है ना, हाँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया वो डिस्कस कर लेते हैं, और एक मैंने पोस्टर भी भेजा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें प्रजापति लिखा है इनका पहला नाम। अच्छा रुकिए, बाद में प्रजापिता हो गए। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये इसमें देखिए ऊपर कहीं प्रजापति लिखा हुआ है। एक मिनट, मतलब नॉलेज इम्पार्टेड बाय प्रजापिता, प्रजापति गॉड ब्रह्मा, खुद को गॉड ब्रह्मा डिक्लेयर किया था इन्होंने उस टाइम। तो एक सेकंड वो खोलती हूँ मैं। ये तो यही है, वो कहाँ गया दूसरा वाला? हाँ, ये पीले, ये जो हाइलाइटेड है ना वो डिस्कस कर लीजिए उसमें पहले। ये? हाँ, ये वाले, आप एक एक लाइन पढ़ लीजिए। पढ़िए आप सतीश जी, आप करिए डिस्कशन। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ भी नहीं, सब वह सब उतरती कला में ले जाने वाले हैं। मतलब आप वेद शास्त्र का, प्रीति जी आपने पूरे जीवन भर जितना भी अध्ययन किया है ना, वो सारी आपके उतरती कला में ले जाएगा, लेकिन जिस दिन आप 7 दिन का कोर्स कर लोगे बीके का, एकदम से चढ़ जाओगे। हाँ, अच्छा, और एक जगह मैंने देखा वेद गपोड़ हैं। हाँ, वेद गपोड़ हैं, और उसमें उतना ही सत्य है जितना आटे में नमक होता है। हाँ, बराबर बोल रहा हूँ प्रवीण जी मैं? ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसमें, ये बड़े हल वैसे पॉइंट्स हैं, मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले लेना चाहती हूँ। ये जो प्रजापिता और प्रजापति वाला है वो बताइए जरा, ये है प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, पोस्टर निकालती हूँ फिर से। ये वाला नहीं, ओल्ड वाला, गोल वाला भी खोला था, ये वाला ओरिजिनल साइकिल, यहां से निकालती हूँ। एक मिनट, यहीं से निकाल देती हूँ ये।
ये नीचे लिखा है प्रजापति, हाँ डिवाइन फादर प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज, हाँ ये देखिए ये आपकी वेबसाइट पर लिखा है प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज, प्रजापति, और अभी इन्होंने कर दिया है प्रजापिता शायद, हाँ अब प्रजापिता कर दिया है, हाँ। ये क्यों किया है बताइए जरा, कभी पिता कभी पति, कभी तो सास भी कभी बहू थी तो पति और पिता, पति भी कभी पिता था, हाय हाय छी छी छी, तो बड़ा गंदा मतलब है। अभी कोई आंसर नहीं कर रहा, मुझे पीछे का दिख नहीं रहा है, तो ये प्रवीण जी कहाँ बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये उनका माइक म्यूट है क्या? हाँ माइक म्यूट है, एक मिनट देखो मैंने कर दिया। आप मुझे अनम्यूट करिए। नहीं मैंने नहीं, क्या हो गया होगा, अब बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आई एम ऑडिबल? यस। हेलो, देखिए डिवाइन फादर प्रजापति ब्रह्मा और व्हाटएवर, अब प्रजापिता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल, मतलब जो है गलत है वो गलत है। मैंने खुद अपने सेंटर पर बोला था कि ये शादियां क्यों हो रही है, ये क्या है चक्कर, ये तो देवदासी प्रथा हो गई, और मैंने उस समय सेंटर जाना बंद भी किया था। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं न्यूट्रल नहीं हूं या मैं सिर्फ सपोर्ट ही करने के लिए आया हूं। जो चीजें गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और अभी आपने वो महाभारत का मैंने भी थोड़ा सा अभी निकाला, पहले ही तैयारी करके रखी थी मैंने, आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो ये बोला गया है कि 20 बिलियन ईयर्स एगो ये यूनिवर्स पैदा हुआ, बट स्टिल देयर इज अ डिस्प्यूट, देयर वाज अ सिंगल मैटर व्हिच गॉट एक्सपांडेड एंड ऑल दैट, देयर इज नो थियरी, देयर इज नो प्रूफ, एंड में ये लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, द स्कोप इज बिकमिंग टू वाइड। ओके चलो हम आते हैं मुरलियों की तरफ, सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी जो ये है मुरलियां जो आप दिखा के बोल सकते हैं वही बोलिए, जबानी जमा खर्च कितना भी कोई कर ले आके, इट डजंट मीन एनीथिंग, यू हैव टू मुरलियों के ऊपर बात करते हैं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो भगवत गीता चुराने की क्या जरूरत थी? भगवत गीता चुराई नहीं, कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अरे नहीं सुनिए अभी, एक मेरी लेट मी स्पीक, एक मिनट, अगर मान लो आप, अरे आप ही बोलती हो, आप दूसरे को बोलने ही नहीं देते हैं, तो मैं आपको वो बता दूं कॉन्टेक्स्ट, तभी तो आप आंसर करेंगे। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट ये बताती हूँ कि इसी ऋषि ने इतने वर्षों तक सब तपस्या की, इसके बाद सृष्टि के आरंभ में चार ऐसे ऋषियों को ईश्वर की वाणी की अनुभूति हुई, और उन्होंने जो है ये वेद, अच्छा वो तो वेद है, भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण ने को घोर अंगिरस ने, जो उनके दो गुरु थे संदीपनी ऋषि और घोर अंगिरस ने उनको गीता का उपदेश दिया था, जो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया, और उसमें श्री कृष्ण उवाच है और अर्जुन उवाच है। अब आप जो है ओरिजिनल को कॉपी पेस्ट करो और उसमें अपने सेंटेंसेस लगाओ तो वो आपकी नहीं हो जाती, और उसको लिख दो, और धृष्टता ये है कि उसको लिख दो सच्ची गीता, यानी कि ओरिजिनल वाली झूठ है ये सच्ची है, ये जो प्लेजराइज्ड वर्जन है ये सच्चा है, और जो ओरिजिनल है वो झूठ है, इसका मतलब आप बोलिए। यस देखिए महाभारत अभी ये अभी आप बोलेंगे इनका भी ब्रेन वॉश, सतीश जी बोलेंगे इनका भी ब्रेन वॉश हुआ है, मेरा ब्रेन वॉश वगैरह कुछ नहीं हुआ है, आई एम फॉलोइंग आनापाना सती, मैं बौद्धिज्म भी करता हूं, मैं ब्रेन वॉश सेज दैट No, that is what. It depends on what content you are speaking. No, not what you are saying about yourself. No. That is left to the judgment of the audience. That is what. So audience से ही judgment मिलेगा हमें. Audience से ही judgment मिलेगा. अभी आप गीता की बात करें अपनी नहीं. हाँ ठीक है ठीक है. आप ना आप stream चला रही है लेकिन आप dictate कर रही है. आप stream में freedom नहीं दे रहे.
जो फ्रीडम जबानी जमा खर्च की नहीं है प्रमाणों। अरे नहीं, फिर छोड़िए ना, ये स्टीम क्यों कर रही है फिर आप? आप अगर पैनल पर किसको बुला रही है और उसका रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप एविडेंस एविडेंस, अरे अरे किसी भी बच्चे को अपने बाप का एविडेंस पता नहीं है, पूछा है भगवत गीता, अरे नहीं सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, अरे बात पर, दैट इज व्हाट आई एम रेडी टू, का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन एंड टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। आप बोल लीजिए। हाँ पता नहीं है, लेकिन बाप को ये तो पता रहता है कि उसके बच्चों की संख्या कितनी है, ये पता होता है। सतीश जी कल भी आपने ये पॉइंट बोला था, कल भी आपने ये पॉइंट बोला था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लौकिक बाप की बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देखिए हमने ये बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, Have we ever asked our mother कि मेरा फादर कौन है? We believed that he is father. Agreed. हाँ, but why? तो evidence आगे मेरे को कनेक्शन करने दीजिए, क्योंकि हम इसलिए बिलीव करते हैं कि वो हमारे लिए लव केयर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी और भविष्य के लिए पूरी सुरक्षा पूरे का इंतजाम करता है, और वो हमारे उसके कर्तव्यों से दिखता है, क्षण क्षण दिखता है, डेली दिखता है, रात और दिन। बिल्कुल सही है, लेकिन ये हाँ लेकिन ये परमपिता परमात्मा ऐसा है कि अगर तुमने टट्टी करके नहाया भी नहीं ना, तो आपको सजा की वो देता है, सजा की आपको। ये गलत है, करेक्ट सतीशी, आई एग्री विथ यू यहाँ पर मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। देखिए इस पॉइंट से मुझे भी ऑब्जेक्शन है कि एक परमपिता सजा की बात कैसे कर सकता है। भाई या तो आप यहाँ ड्रामा अगर बना बनाया है, प्रवीण जी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपने अभी तक आंसर नहीं किया। ये जो भगवत गीता है उसको आपने मुझे मुझे बोलने दीजिए, आप दो मिनट चुप रहिए, आप मेरे को आपने मुझे मंच दिया मेरे को दीजिए। प्रवीण जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका बीकेइज्म, टिपिकल बीकेइज्म, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, ये टिपिकल बीकेइज्म है कि जहाँ उनको ऐसा लगता है ना कि ये आप इसमें है, तो ये वो लोग क्या एग्री हो जाते हैं उसमें, वो है ना निरहंकारी बन जाते हैं, अपना अहंकार छोड़ देते हैं, उनको वो प्राउड फील करते हैं कि हम इसमें तो निरहंकारी बन गए हैं। लेकिन उसके लिए जब आप या तो आप नहीं, या तो आप एग्री रहिए या तो डिसएग्री रहिए, तभी तो डिबेट हो सकती है ना सर। नहीं डिबेट मैंने कल भी बोला था, आई विल बी कमिंग फॉर डिस्कशन एंड आई विल बी सपोर्टिंग आल्सो एंड आई विल बी अपोजिंग आल्सो, मैंने कल ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। फिर ये ट्रेन कहीं नहीं पहुंचेगी। देखिए आप जो भी बातें यहाँ पर बोल रही है पब्लिक के सामने जा रही है, नहीं, नहीं, आज ये ब्रह्मा कुमारी संस्था, आप एग्री भी होंगे और डिसएग्री भी। सुनिए, अरे नहीं सुनिए तो आप खुला बोलता हूँ ना, या तो आप मुझे बीके बना लीजिए फिर से, या तो मैं आपको नॉन बीके बना लेता हूँ, लेकिन आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन आप कभी भी चेंज हो जाते कि मैं यहाँ एग्री कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला उनका विवाह क्यों करवा रहे हो, वहाँ आप डिसएग्री हो जाते हो। अगर ये आप मानते हो कि भगवान, जो गलत बात देखी है, जो गलत बात है, तो गलत बात, एक मिनट आप सुनिए, या तो आप डिसएग्री होइए या तो एग्री होइए। अगर आप एग्री, जरूरी नहीं है ऐसा, जरूरी नहीं है, सुनिए मेरी बात सुनिए, तभी डिबेट नहीं है। देखिए आप एक्स बीके हो गए क्योंकि आपने कुछ पॉइंट्स पर डिसएग्री हो गए। नहीं हाँ, मैं कुछ पॉइंट पर डिसएग्री, मैं भी उतना ही फेथफुल था जितना आप है, और मैं उतना ही अर्नेस्टली फॉलो करता था बीकेइज्म जितना आप कर रहे होंगे, कोई भी सिंसियर बीके करता नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, कल मैं वही बोल रहा हूँ सतीश जी, फिर कोई पॉइंट ही नहीं है सर, डिस्कशन करने के लिए पॉइंट ही नहीं है, फिर आपको एग्री नहीं कर रहे, डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। नहीं या तो आप स्टैंड करिए भाई, ये बीकेइज्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, अभी बीकेइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर मेकिंग मिस्टेक। मैं बीकेइज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि मैं परफेक्ट बीके हूँ। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। देखो जहाँ पे आपकी जो चीज गिरती है वहां पे आप बोलते मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए आप एक्सप्रेशन लगाए जा रहे हो कि दादा लेखराज ऐसा था, वो रेपिस्ट मतलब था, ये था, अरे दो मीटर केसेस का सील दिखाइए, वहां पर जज का वर्डिक्ट दिखाइए। आपका जो है ना मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़वा थू थू, अगर वहां पे जाके ये वर्ड अच्छे सतीश जी आप मिल रहा है तो आप गलत समझ रहे हो।
आप गलत, देखिए ये 10 साल बाद जब सच्चाई सामने आएगी तब आप रिपेक्ट करोगे कि नहीं नहीं हमने जो स्ट्रीम चलाया और ये सारा बताया वो सारा गलत निकला, तब आप रिपेक्ट करेंगे। चलिए आप 2 मिनट नॉनस्टॉप बोल लीजिए, क्योंकि ऐसे में ना आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना मेरी आपको बात समझ में आ रही होगी। आप 2 मिनट नॉनस्टॉप बोलिए। हाँ मैं ये बोलना चाह रहा था कि अपने फादर से बात शुरू हुई थी कि फादर से प्रेम और अफेक्शन सिक्योरिटी और सब कुछ अपने को मिलती है, लेकिन ये फादर अपने को डर दिखाता है। किस चीज का डर दिखाता है ये फादर? 2 चीज दिखाता है अपने को, एक तो प्रलोभन दिखाता है और अरे यार अब मेरे को बोलने दो ना भाई। ओके 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 सॉरी, चलो कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। ये फादर जो है वो अपने को 2 चीज दिखाता है, एक तो डर दिखाता है, दूसरा प्रलोभन दिखाता है। प्रलोभन ये दिखाता है कि तुम अगर मेरी श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हें 21 जन की बादशाही मिलेगी, ऊंच पद मिलेगा, कृष्ण के अंग संग तुम खेल सकते हो। दूसरा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं धर्मराज भी हूं, धर्मराज बन के मैं तुमको शिक्षा दूंगा और दास दासी पद और चांडाल वो और बहुत सारे आपको सजाएं भी मिलेंगी, और मच्छर सदृश जैसी सरसों पीसती है वैसे आपको पीस के जाना पड़ेगा परम अपने परम धाम में, क्योंकि धर्मराजपुरी की सजाएं हैं, ऐसी सजाएं हैं जो बहुत ज्यादा पेनफुल हैं। तो ये बाप जो है ये अपनी बात मनवाने के लिए 2 चीज दे रहा है अपने को। तो मैं ये आपने जो फादर का वो दिया ना वो उसके रिलेवेंस में बोल रहा हूँ। दूसरा एक पॉइंट निकला था जो कि इनकी बुनियाद जो है पूरी झूठ पे टिकी हुई है और ये फॉलो हो रही है उनके फॉलोअर्स के ऊपर, धीरे 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 फॉलोअर्स फॉलो होते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि जो मंदोदरी का पार्ट बनाया था, मंदोदरी कई साल तक उस प्रभा बहन ने लोगों को उल्लू बनाया ऑन द मीडिया कि मंदोदरी का पार्ट उसने किया है। ये बीकेइज्म में बीके की वरिष्ठ बहन है, वो ये बोलती है कि बीके वो मंदोदरी का पार्ट उसने बजाया है रामायण सीरियल में, जब करेक्ट रियल मंदोदरी प्रकट हुई सामने तब उसने बोला कि ये चीज गलत है। तो इसने निरंकारी बन करके उसको माफी मांगी और मीडिया के सामने भी माफी मांगी, और बीके बीके क्लास में क्या बोला कि वो तो मैंने इसलिए किया कि बाबा की सेवा करनी थी, वो तो एक युक्ति थी। अरे तुम झूठ बोल के क्या सत्ययुग स्थापन कर रहे हो यार, मेरे को बताओ कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं इसमें, ये आप तो सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्रिटिकल थिंकिंग करके, लॉजिकल थिंकिंग करके आप सोचो। आप साइंस के विद्यार्थी हो, साइंस से इसको इस ज्ञान को कनेक्ट कलेक्ट करके देखो। आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया, साइंस के आधार पे आप अपनी रोटी कमा रहे हो, रोजी कमा रहे हो, आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो थ्रू बिकॉज यू गॉट द एजुकेशन, यू गॉट द रियल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, उसके बलबूते पे आप अपनी कमाई कर रहे हो और बिलीव कर रहे हो एक गलत चीज, नॉनसेंस चीज, भटकाने वाली चीज जो पूरी दुनिया को भटका के रखा है, कितने लोगों को बर्बाद करके रखा हुआ है, और अभी भी इनका कोई डायरेक्शन नहीं है। दे डोंट नो वेयर दे आर हेडेड टू, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है। आप इसके बारे में थोड़ा अनबायसली सोचिएगा, क्योंकि आप बोलते हो कि ना मैं इनको एग्री कर रहा हूँ ना मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अनबायसली इस ज्ञान को थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग से सोचिए। मुझे नहीं मालूम कि आपका लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग कितना हो गया है, लेकिन अब जब आप जागेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि मैंने क्या खो दिया और क्या पाया है। आप मुझे समझा रहे हो कि मैं रिग्रेट करूंगा, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि ये अंदर जो प्रलोभन की भावना दे रखी है ना आपको, उसको निकालना पड़ेगा, उससे तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आप यह सोच रहे हैं अभी कि वास्तव में अगर सतयुग आ गया, वास्तव में समझो यही भगवान हुआ तो मैं क्या करूंगा। इतने लोग जो बिलीव कर रहे हैं वो क्या बेवकूफ है? आपने खुद बोला अभी, मतलब आप खुद अपने लेवल पे सोचिए ना कि भाई कहीं अगर भेड़चाल चल रही है तो क्या भेड़चाल में चलने लगते हो क्या? आप सोचते हो ना कि भेड़े कहाँ जा रही हैं? सोचते हो ना? आप दोनों भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आई एम सपोर्टिंग गुड थिंग्स, आई एम अपोजिंग बैड थिंग्स, क्या मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकता? ये बिल्कुल, लेकिन एक स्टैंड तो एक लेना पड़ेगा। नहीं, नॉट डिबेट में कभी भी स्टैंड, देखिए यू आर ऑल्सो एजुकेटेड, डिबेट में एक ही स्टैंड पर हम नहीं रह सकते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल द फैसेट्स ऑफ ऑल द इश्यूज। देखिए कल तक मैं बीके था तो मैं बीके को रिप्रेजेंट करता था, बीके के सारे नहीं, देखिए सुनिए अब मैं यूट्यूब पर हूँ, पूरे देश के सामने हूँ, मैं अभी आपको जो बताऊंगा मैं उतना ऑनेस्ट हूँ और उतना ओपन भी हूँ,
देखिए मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैंने मेरे जो एक्सपीरियंसेस लिए हुए हैं वो एक्सपीरियंसेस आध्यात्मिक है और पूरे तरीके से अलग है, मेरे जन्म से ही है। हाँ बिल्कुल, आज मैंने खाया है, आधा किलो मच्छी खाया है मैंने आपके लिए। नाउ यू विल वंडर कि ये क्या चल रहा है। मैं बाबा को चैलेंज करता हूँ कि बाबा मैं ये करता हूँ, आप देख, अब मुझे मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना, एविडेंस चाहिए ना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। माउंट आबू जाना था मेरा टिकट कोरोना 2019 में, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मनी मन में वो हर बार बोलते थे। सुनिए प्रीति जी, आप एक सेकंड, राधु जी नीचे लिख रहे हैं, उनको मैंने लिंक नहीं दिया है तो मैंने राधु जी को लिंक दे दिया है, नीचे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे पास उनका ईमेल नहीं था तो मेरे पास मैं नहीं दे पाई, पर मैंने प्रवीण जी को ईमेल से दिया था और आपका बहुत देर में आया, तब तक मैंने देखा नहीं था क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो पीछे का दिखता नहीं है। अच्छा, दो लोग बीके पीड़ित फैमिली से हैं, वो ज्वाइन होना चाहते हैं, तो क्या आप बताइए, वैसे डिबेट में तो मैंने नहीं रखा था, क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप बताइए प्रवीण जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना ही पड़ेगा। जी बोलिए प्रवीण जी, कंटिन्यू करिए। हाँ मैं ये बोल रहा था, तो टू बी ऑनेस्ट ओके, मैं एक टोबैको चोर था, मैं ड्रिंक्स भी करता था, मैं बहुत कुछ करता था, जो गलत बातें है वो सब करता था ओके। और मैंने बाबा को ये चैलेंज किया था, मैं बाबा के कमरे में बाबा मिलन वीडियो चल रहा है तब मैं खुद नॉनवेज खा के वहां पर बैठा हुआ था और मैंने बाबा को चैलेंज किया, अब बताओ मुझे निकालो यहाँ से। तो तभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद माउंट आबू जाने का एक ये निकला 2019 में कोरोना के काल में, तो मैंने बोला बाबा मैं तो आ रहा हूँ, अब आपके पास ऐसे कोई ताकत नहीं है, आपको भगवान हो ही नहीं। तब 2019 लिस्ट लाई दीदी ने, मेरा नाम भी कंफर्म लिस्ट में था और अचानक से उस दीदी ने ऐसा कुछ हुआ, मैंने बाबा को चैलेंज किया अब क्या करोगे बाबा। तभी मुझे फोन आया, मेरी माँ सीरियस थी आईसीयू में, और मैंने तुरंत उनको बोला कि अभी अभी ये डेवलपमेंट हुई है, विल हैव टू कैंसिल माय टिकट। मैंने वो कैंसिल करवाई एंड आई कुड नॉट गो टू माउंट आबू। अब आप इसको कैसे मानो, अभी ये सारी ये बताइए, ये जो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसका हमारे से क्या लेना देना है। आई बिलीव दैट मतलब आपसे जो आज का डिबेट का पॉइंट था, आप ना तो लेखराज का अच्छा कैरेक्टर प्रूव कर पाए, उसका एविडेंस प्रमाण शो कर पाए, ना आप जो है वो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन उसकी नॉलेज का दे पाए। तो आज अभी अपनी पर्सनल बातें में ये था वो था, ये सब करने से क्या फायदा, दिस इज अ डिबेट डिस्कशन। देखिए पर्सनल पर्सनल प्रीति जी, उसको कोइंसिडेंस कहते हैं। हेलो, उसको कोइंसिडेंस कहते हैं जो आपके साथ हुआ। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए कोइंसिडेंस एक बार दो बार, मेरे पास ऐसे 10 अनुभव है, फिर मैं बताना शुरू करूंगा तो आप सुनने के लिए तैयार है? मेरे पास तो बहुत सारे अनुभव है वेदों के, अनुभव के वेद। प्रीति जी, प्रीति जी, एक मिनट, हमारे पास अनुभव किसने किया, एक मिनट, एक 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 मिनट, एक मिनट, अनुभव किसने किया, आपके शरीर ने आत्मा ने? हाँ दोनों ने किया। अनुभव किसने किया, किसने? दोनों ने किया अनुभव। हेलो, शरीर ने भी किया, आत्मा ने भी किया? हाँ दोनों ने किया। जो भी अनुभव है वो किसने की, अनुभव अनुभव आप जो अनुभव बता रहे हैं वो मेमोरी कहाँ है? अरे देखिए वो मेमोरी कहाँ है, किस में? नहीं बिना बिना नहीं, आपका अनुभव 20 साल पहले का है, 5 साल पहले का है, वो मेमोरी आज आपके पास कहाँ से आ रही है, वो अनुभव किसका था? आप तो एक कार है, ड्राइवर आत्मा है, वो अनुभव किसकी का, कार ने या आत्मा ने? दोनों ने। और जब आदमी जब आदमी कोमा में जाता है, जब आदमी कोमा में जाता है, शरीर भी होती है आत्मा भी होती है, तो उस समय का बीच में ब्लैंक क्यों हो जाता है? शरीर अच्छा, भी है आत्मा भी है, ये मेरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, आप स्पष्ट आदमी है। नहीं एक एक मिनट मैं और मैं बता देता हूँ प्रीति जी, ये फुल्ली
कल्ट माइंड कंट्रोल में है, ये हमारा समय और हमारा प्रोग्राम वेस्ट करने आए हैं। तो ऐसे आदमी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगना अच्छा है, इनके चरण छूना अच्छा है। इन्होंने इन्होंने बड़ा प्रॉमिसिंग दिखाया कि ये साइंस बैकग्राउंड के हैं, दिस एंड दैट, सो आई थॉट कि भाई ये प्रूफ दिखाएंगे या ये बड़े न्यूट्रल साउंड कर रहे थे, पर टू माय एस्टोनिशमेंट कि इनका हिप्नोसिस जो है कहीं भी न्यूट्रल बड़ा स्ट्रांग है। एक 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 जब ये हमारे चीजों का एविडेंस मांग रहे हैं तो मुरली का एविडेंस क्या है? मुरली का एविडेंस कुछ देंगे? एविडेंस क्या मांग नहीं, आप एविडेंस क्या मानते हैं? कल आपकी प्रॉपर्टी है, उसका एविडेंस आप उसके मालिक है, क्या मानते हैं? उसका क्या मानते हैं? आपके नाम से मकान है, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहां नौकरी कर रहे हैं, एविडेंस क्या मानते हैं? किसी एम्प्लॉयर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं अपॉइंट, एक एक पूरा सवाल सुन लीजिए, कहीं आप नौकरी करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, टू वे पॉलिसी को गवर्नमेंट मानती है, कुछ मैंने आपको लिख के दिया, कुछ आपसे लिख के दिया, ऐसा होता है या नहीं होता है? आप खड़े हैं जिस कलयुग में आप खड़े हैं, जो कलयुग खत्म होने वाला, मैं मेरे सवालों को जवाब दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। अरे देखिए आप पूरा मौका सवाल मेरे सब नहीं, मैं क्या देखूं, आप क्या दिखाना चाहते हैं? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता नहीं रहे हैं, दिखाना कुछ और चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ आम का पेड़, आप मुझे इमली दिखाएंगे? मुझे इमली नहीं चाहिए, अनुभव किसको हुआ मैं पूछ रहा हूँ। अरे आई एम सेइंग आपके अंदर कार, क्यों मतलब कार, इतना कार, कार को हुआ अनुभव, कार को हुआ या ड्राइवर को हुआ? अरे दोनों को हुआ, अनुभव होना ही नहीं चाहिए। नहीं क्यों? आपके ब्रह्म कुमारी में बताते हैं यू आर कार और ड्राइवर इज आत्मा। कार का टायर पंचर होता है, कार को दुख होता है क्या? तो आपके शरीर को दुख क्यों होता है? अरे तो कार सुनिए, आपका शरीर तो कार है, एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर मर गया, आत्मा मर गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा आप ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। अरुण जी एक बात बताइए, आत्मा को खाना खाने की जरूरत ही क्यों है? आत्मा को खाना पीना थोड़ी ना होता आत्मा है को, नहीं नहीं आत्मा तो आत्मा पवित्र है, रहना क्यों है? मैं शरीर में आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये वर्ड ये सेंटेंस गलत है। आप कहाँ एक प्रीति जी आप कहाँ रहते हैं सर? एड्रेस दे सकते हैं खुल के? हम आपके यहाँ आके आपके सेंटर में चलना चाहते हैं। यस क्या आप डिस्क्लोज कर सकते हैं? हम वहाँ चलेंगे, बताइए एड्रेस, बताइए खुल के, बताइए, मैं अपना एड्रेस देता हूँ। हाँ अभी बता दीजिए, फोन नंबर भी दे दीजिए, ताकि देखिए देखिए हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम सत्य के लड़ रहे हैं, आप भी अपने सत्य लड़ रहे हैं, हम दोनों का सत्य अलग अलग है, तो कोई तो सत्य होगा तो कोई तो जीतेगा। हम अपने सत्य लड़ रहे हैं, आपका अनुभव आपका है, मेरा अनुभव मेरा है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, प्रीति जी अपना अनुभव बता रही है, हम झूठे कैसे हो सकते हैं? गलत कोई नहीं है दुनिया में, सब अपना कर्म कर रहे हैं। हमने आपको बुलाया नहीं हमारी बात काटने के लिए, आपको हमने नहीं कहा कि हमारी बात मानिए, हमने नहीं बुलाया आपको, आप खुद चल के आए हैं। आपको कोई इनविटेशन कार्ड भेजा था हमने? नहीं भेजा था ना, आप खुद चल के आए हैं, इस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे दुनिया के सामने कि हमने आपको रिक्वेस्ट भेज के नहीं भेजा, हम आपको जानते तक नहीं है, तो आप आए ना। हाँ तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आप चल के आए हैं, ठीक है, तो क्यों आए हैं आप? हम अपनी बात दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, आप अपनी बात पहुंचाइए ना। आप चैनल खोलिए, हम उसमें आएंगे, आप जैसे खोलिए चैनल, क्या तकलीफ है? एड्रेस अभी तक मैं बताया नहीं, हम आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं सर, हम आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, आपके सेंटर भी चलेंगे, दीदियों से मिलेंगे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इंडिया का कौन सा कोना है? आप कह देंगे ऑस्ट्रेलिया, कोई बात नहीं, वहां भी आदमी भेजेंगे। आप कहेंगे यूएसए, वहां भी भेजेंगे। आप जिस अभी हमारी बात हुई है एड्रेस की, उससे मुकरिए मत। अरुण जी एक भगवान का बच्चा, अपना भगवान का बच्चा, शिव का बच्चा, सेक्सी लेखराज से टॉपिक चेंज हो गया है। नहीं एक 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 मिनट, लेखराज का आप प्रूफ मांग रहे हैं तो लेखराज का आप प्रूफ दीजिए, वो भगवान था, दीजिए ना, आप प्रूफ नहीं दे सकते कहीं भी, लेकिन हम प्रूफ दे रहे हैं। उनमें भगवान आते थे ना? अरे नहीं नहीं भगवान आते थे किसने? आप
तैयार ही नहीं है कि परमात्मा ब्रह्मा में आते हैं, ये क्या बात है आपका? लेखन अरे हम एक 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 आदमी प्रवीण जी में हमारे विके जी हाँ ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा है, उनको परमात्मा ने जब आया उनके जब उनके ऊपर परमात्मा आया तो परमात्मा ने उनका नाम दिया ब्रह्मा। अरुण जी में भी परमात्मा ऐसा, ऐसा कोई काम बताइए जो मैं नहीं ऐसा कोई काम बताइए जो मैं नहीं कर सकता, लेखराज ने किया हो, मैं मनुष्य हूँ। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा हवा में आके ज्ञान में चाहूंगा जो ज्ञान में उनको पवित्र बनाया, ये सबका बड़ा काम है, बड़ा काम है भगवान का पवित्र बनाता है। कोई नहीं है कि पवित्र बनाता है, भगवान पवित्र बनाता है सबका आत्मा को, ये भगवान का काम है। राजू जी, ये आप किस पोस्ट से बोल रहे हैं? ब्रह्म कुमारी की तरफ से बोल रहे हैं, तो आपकी पोजीशन क्या है ताकि कल हम आपसे मिल सके और बात कर सके, आप केस कर सके? आप अपनी कोई पोजीशन बताएंगे या वैसे ही उठ के आ गए हैं? कुछ ऐसा एविडेंस दीजिएगा, ब्रह्म कुमारी फॉलो करते हैं आप, ब्रह्म कुमारी में कोई ऐसा एविडेंस दीजिए, हमें एविडेंस चाहिए पहले। कौन सा इसका एविडेंस? हर बिके एविडेंस है, जो जो ज्ञान में है वही सब एक 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 एविडेंस है। ये झूठी बात, उनका जीवन में परिवर्तन आया, उनमें तनाव स्ट्रेस डिप्रेशन पवित्रता ये सब तनाव चला गया, पवित्रता आया, आत्मज्ञानी बने हैं, बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस बने हैं, यही तो ये तो यही तो प्रूव है, बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस बने हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आज आप कोई एविडेंस दीजिए कि आप बीके फॉलोअर हैं। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है अरुण जी, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ना तो लेखराज, ना तो इनके पास ये एविडेंस है कि लेखराज एक। सुनिए अरुण जी एक मिनट, मैंने जैसे जो डिबेट करी है इतनी देर तक हमने जो करा है, इनके पास सिवाय झुटलाने के हर चीज को, कॉन्ट्रेडिक्टरी लेखराज का चरित्र अच्छा कहने का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जो भी दूसरा दिखाए उसको बोल दो तुम गलत हो, तुम्हारा सब झूठ है, अपना कुछ दिखाना नहीं है, अपना कुछ एविडेंस नहीं है, बस इनसे बातें मुंह जबानी कितनी भी करवा लो और इनकी बकवास बिना सबूत के, अपने आप को साइंस के बैकग्राउंड के कहने वाले फैंटास्टिक नॉनसेंस जो होती है ना, फैंटास्टिक नॉनसेंस, दे आर जस्ट सेइंग दैट। अरुण जी आपकी बात हो, खत्म करिए फिर राजीव जी की। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप मुझसे एविडेंस मांग रहे हैं तो मैं भी आपसे एविडेंस मांग रहा हूं, जैसा आप मुझसे एविडेंस चाहते हैं वैसा आप लेके आइए दिखाइए, और मुझसे वैसा मांगे मैं दे दूंगा। जवानी खर्च नहीं चाहिए मुझे, पहली बात ये हो गई। दूसरा, हम आप लोग को जागृत नहीं कर रहे हैं, कल्ट माइंड कंट्रोल आदमी के लिए प्रोग्राम है ही नहीं, हम नॉर्मल इंसान के लिए ये रख रहे हैं, और ये आपका एजेंडा अलग है हमारा अलग है, तो हमें तो आप लोगों को शामिल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रीति जी बड़ी अच्छी इंसान है जो कहती नहीं सबको बराबर मौका देना चाहिए। बीके शिवानी जैसा हम आपको मौका दे रहे हैं, क्या बीके शिवानी ऐसा मौका देती है मुझे बताइए ना? सूरज भाई ऐसा मौका देता है क्या आपको? कभी आपको देता है? मुझे छोड़ दीजिए, आपको कभी ऐसा मौका मिला है मुझे वो बताइए ना? ऐसा वीडियो मुझे दीजिए यूट्यूब में कि सूरज भाई ने आपसे सवाल पूछा हो, आपको जोड़ा हो, आपने जवाब दिया हो, या कल में, कल की तारीख में आप बीके के हैं, कल शिवानी से बात कीजिए, कल सब बड़े बड़े आदमी से बात कीजिए, ऐसा प्रोग्राम रखे वो भी जोड़ना चाहते हैं। सूरज भाई एक मिनट अरुण जी, सूरज भाई बीके फॉलोअर कोई चुप कर देता है उनकी सभा में? कोई बोलने का किसी को साहस नहीं होता है? मैं साहब, जैसा हम कर रहे हैं क्या बीके सूरज कर सकता है? शिवानी कर सकती है? क्या हिम्मत है उन भगवान के बच्चों में? वो तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो राक्षसी जोनी में पैदा हुए हैं, हम तो कलयुगी बच्चे हैं, हम तो आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, हम खुद को मानते हैं। तो मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, एक महीना लो, दो महीना लो, पांच महीना लो, बात करके जवाब दो, क्या ओपन डिबेट में वो आएंगे कहीं? तब मैं आपको बीके मानूंगा, नहीं तो आपको क्या मानूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप खुद समझ लीजिए आप किस लायक हैं।
जिसको कॉन्टेस्ट करने आई है आपका मेन राजू राधु जी कुछ बोलना चाहते हैं। राधु जी बोलिए। राधु जी सूरज सूरज भाई का ये कहना है कि मैं जो बोलूं उसको हाथ पर अरे अरे वो एक्सपीरियंस्ड है, उनका जीवन में वो परिवर्तन लाए हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। कौन सा टाइप का ये लिखित ये रिटन एविडेंस कोई एविडेंस नहीं है, झूठा हो सकता है। उनसे ज्यादा तो मैं लाई हूँ परिवर्तन बहुत लोगों के जीवन में। क्या परिवर्तन आप लाई है? आप भगवान नहीं है, भगवान परमात्मा है। आप क्या परमात्मा क्या आर्गुमेंट करेंगे? आर्गुमेंट करेंगे लेखराज तो परमात्मा नहीं है। मैं परिवर्तन ला रहा हूँ, मैं परिवर्तन ला रहा हूँ इन परमात्मा के आदमियों को इस स्टेज पे बुला रहा हूँ। ये क्या है? ये परिवर्तन है। तुम्हारे अंधविश्वास को खत्म कर रहा हूँ, ये परिवर्तन है। नहीं समझ रहे इस बात को? अभी यही परिवर्तन होता है। लेखराज ने पैसों के पे परिवर्तन लाया था और मैं बिना पैसों के ला रहा हूँ। आज प्रीति जी कनाडा में बैठती है, मैं इंडिया में हूँ, हमारा संपर्क है, यही भगवान की देन है। तो तुम कितने आदमी को जानते हो अपने फ्रेंड लिस्ट की बताओ, कितने को जानते हो? 150-200-5000। अरुण जी राजीव जी क्या बोलेंगे? हाँ मैं रुकिए, पहली बात तो थोड़ा तेज बोलिए, मैं सबको म्यूट करती हूँ क्योंकि आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से। बोलिए। हेलो। हाँ मैम, पहली बात तो जैसा कि अभी बात हुई कि यहाँ पर दोनों जो लोग आए हैं ब्रह्मा कुमारीज को डिफेंड करने के लिए, दे डोंट हैव एनी आइडेंटिटी प्रूफ दैट दे शोज दैट आई वी आर ब्रह्मा कुमारीज। इनके पास एक बैच के अलावा कुछ नहीं है और वो बैच भी किसी प्रकार का कोई ठोस सबूत नहीं है कि आप ब्रह्मा कुमारीज में हैं। आप चलते रास्ते पर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपका आधार कार्ड ही काम आएगा, ना कि कोई आपका सफेद शर्ट और बिल्ला देख के ये जान पाएगा कि आप ब्रह्मा कुमारी हैं, इस लेवल पे हैं, इस पोजीशन पे हैं। अगर स्कूल में किसी बच्चे का भी एडमिशन होता है तो उसका एक प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ होता है, आइडेंटिटी प्रूफ होता है। दूसरी बात, ये किसी को भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं देना चाहते ताकि कभी भी उस व्यक्ति या व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों से पल्ला झाड़ सके। यहाँ तक कि इन्होंने तो अभी मांग लिया कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने दिखाया वो उस पर रजिस्टर्ड मोहर है, दिखाइए वो, तब प्रूफ करिए तब हम मानेंगे। क्या इनकी एक भी मुरली पर कोई भी सील मोहर ब्रह्मा कुमारीज का है जिससे ये साबित हो सके कि ये ब्रह्मा कुमारीज की मुरली है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला आपने राजीव जी, बल्कि मेरे पास प्रूफ है कि जो सतीश जी ने मुझे भेजा था कि इनकी मुरली जिसमें लिखा था कि प्रलय आएगी 5000 उसमें कौन से ईयर में आएगी, और अब सेम चीज प्रिंट हुई है विदाउट द मुरली। मैं ये बात दिखाती हूँ जब तक आप कंटिन्यू करिए बोलना। लेकिन मैम ये जानबूझ के मुरलियों पर अपने जो ब्रह्मा कुमारी का कोई सील मोहर वगैरह और ये कोई भी एक फॉर्मेटेड बुक नहीं प्रिंट करते हैं ताकि कभी भी आने वाले समय में हम ये साबित कर दें कि वो हमने मुरली प्रिंट ही नहीं की है, वो मुरली हमारी है ही नहीं, वो मुरली झूठी है, ये खुद की मुरली को कल झूठा साबित कर सके। इसीलिए इन लोगों ने पहले 80 के आसपास में 90 के आसपास में जितनी भी बुकें छापी हैं उसको जितनी भी बुकें लोगों तक पहुंची है, जैसे सतीश जी जैसे लोग जुड़े हुए थे, तो बुकें उन्होंने किसी न किसी बहाने से वापस ले ली है ताकि हमारा पर्दाफाश ब्रह्मा कुमारी संस्था का पर्दाफाश ना हो। और आज के डेट में बहुत कम ही बुकें उपलब्ध हैं और जो इनकी मुरलियां हैं वो कहीं भी प्रमाणित नहीं करती हैं और उन पर कोई भी स्टैंप या पब्लिकेशन या ऐसा कोई प्रूफ नहीं उपलब्ध है जिससे ये पता चल सके कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुरली है। और इंटरनेट पर जो मुरली उपलब्ध है वो भी जो जिस वेबसाइट पर अलग अलग वेबसाइटों पर दूसरे दूसरे लोगों को के नाम से ये वेबसाइटें खोल करके और चलाते हैं जहाँ पर कि किसी भी प्रकार से ब्रह्मा कुमारी से अटैच्ड नहीं होता है। राजीव जी अब इसमें कुछ कहेंगे? ये नहीं, बोलिए। ये दो ही चीजें प्रूफ कर रहे हैं ना कि तो आपके पास क्या आइडेंटिटी प्रूफ है कि आप ब्रह्मा कुमार हो? दूसरा चीज मुरली बताइए क्यों yes. मुरली के ऊपर नीचे मुहर वगैरह नहीं रहता है ब्रह्मा कुमार इसका या कोई ब्रांड नहीं रहता है? आप क्या नहीं, आप ब्रह्म कुमार से आए हैं प्रोटेक्ट करने, आपका क्या एविडेंस है कि आप ब्रह्म कुमारी से है? डू हैव एनी आईडी प्रूफ?
इफ नो देन सॉरी फॉर फॉर यू वी रिग्रेट यू, कि आप इस योग्य नहीं है कि आप यहाँ आके बहस कर सके, ब्रह्मा कामरे को डिफेंड कर सके। आपकी मुरली अभी क्या है? एक मिनट वो मुरली आपके बाबा ने कही है जी। अरुण जी एक मिनट मैं बोलूंगी अभी यहाँ पर, जो अभी राजीव जी ने कहा है मैं प्रमाण के साथ बोलूंगी, मैं आप लोगों की तरह मुंह जवानी जमा खर्च नहीं करूंगी। सतीश जी ने मुझे बहुत अच्छा है वो भेजा है, मैं आपको लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो प्रमाण है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए ये है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वो है जीवन की अंतिम यात्रा में उपराम और बेहद के वैरागी बनो, ये इनकी मुरली है ओरिजिनल पुरानी। और इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है ड्रामा को भी देखते जान के हिसाब से भी अभी 2000 में यानी वर्ष 2000 में 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो रहा है, तो बड़ी संकल्प आता है कि अभी टूलेट का बोर्ड लगने वाला है, वह भी दिखाई देता है। अब धर्मराज का पार्ट भी जल्दी ही खुलने वाला है, ठीक है। तो 2000 में 5000 का वर्ष, और इससे पहले लिखा है अब भी एवर रेडी हो, और इसके बाद टूलेट का बोर्ड, ठीक है। तो बीच में ये 5000 वर्ष का चक्र पूरा होने वाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये दादी की है, ये दादी की वाणी है, ये देखो मैं आपको शुरू में ही दिखा देती हूँ, ये दादी प्रकाश मणि के अमृत वचन ये किताब है अवेलेबल। इसमें आगे देखिए यहाँ पर वही मुरली निकालती हूँ जो अभी मार्क करके रखी है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मुझे बाबा रोज कानों में कहता है बच्ची एवर रेडी हो। तो देखो एवर रेडी और ये टूलेट का बोर्ड, यही संकल्प आता है कि अब टूलेट का बोर्ड लगने वाला है। इसके बीच की लाइन 2000 में 5000 साल का प्रलय वाला वो लाइन खा गई है, क्योंकि अब ये जल्दी जल्दी अपनी चीजें चेंज करते हैं। देखो 2000 में 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो रहा है, इसके बाद टूलेट वाला ये लाइन आ गई, बीच में से इन्होंने लाइन उड़ा दी। जब समय बीत गया विनाश नहीं हुआ, तो अब उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब लगातार शुरू से लेके कई करीबन दसियों डेट चेंज हो चुकी है इनकी, कि विनाश अब हुआ और लोगों को जब अपने फॉलोअर्स को ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं कि अभी पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है, और ऐसे लोग इन लोगों में ब्रेन वॉश लोग इनके ब्रेन वॉश फॉलोअर मानते जाते हैं इस बात को जी। राधु जी आपको क्या कहना है? एक बात मैं ऐड करने वाला हूं, राजू जी और ये प्रवीण जी के माध्यम से मैं समस्त ब्रह्मा कुमारी संस्था को ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने 22 साल यहाँ पे घास नहीं छीली है बीके में, मैंने घोर अध्ययन किया है बीके का भी। मैं ये मान के बैठा था कि स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा अवतरित हो गए हैं, और जो वरिष्ठ लोग मुझे बता रहे हैं मैं सिंसियरली उनको फॉलो किया हूँ। शाम का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जाके किसी भी मेरे सीनियर से जिस सेंटर से मैं अटैच था जाके पूछिएगा मेरे बारे में। प्रवीण जी पीछे आप सुन रहे हैं? प्रवीण जी हेलो, प्रवीण जी सुन रहे हैं? आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था को कि ऐसे हाँ। और मैंने सोचा था कि आप बहुत सिंसियर बीके हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू हियर कि आप मीट भी खा रहे हैं, मांस मछली भी खा रहे हैं, और आप अपने आप को और आप अपने आप को बता रहे हैं कि मैं 28 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। आपको मैं बताऊं कि ऐसे हजारों नहीं लाखों बीके हैं कुमार, जो सूरज के मतलब पतोलेबाज के कहने में आकर के अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, ये कह के कि उसने बोला था कि मैंने बाबा की अव्यक्त मुरली और साकार मुरलियों के माध्यम से और जो अव्यक्त इशारे समय समय पर मिलते हैं उनके माध्यम से मैंने गहन अध्ययन करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि 2000 में विनाश तो पक्का होने वाला है। तो ऐसे मेरे जैसे कई थे, कई जिन्होंने बीके में जाकर के अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया है बीके में, वहां पे लोगों ने अपने घर बनाए बीके कॉलोनी में जाके, वहां पे कि बाबा के गोदी में हम मरेंगे, वहां पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वहां के ये स्थिति है कि वहां के लोगों के मकान बिक नहीं रहे हैं, वहां पे लोगों उन्होंने आधिपत्य कर दिया है बीके वालों ने कि वहां के उनके मकान बेचने नहीं देते, वो अलग ही टेंशन में जी रहे हैं। विनाश का टेंशन तो गया तेल लेने, ये दूसरे जो टेंशन बन गए हैं वो टेंशन लेके वो जी रहे हैं, अभी रह गए अलग थलग दुनिया में अकेले पड़ गए, और विनाश तो हुआ ही नहीं, उनके जीवन का विनाश मात्र जरूर हो गया। फिर जब मैं इस ग्रुप से जुड़ा तो मुझे और चीजें पता लगी कि इंडिविजुअल्स का विनाश तो हुआ ही हुआ है, फैमिलियों का विनाश हो गया है। कईयों की बीवियां चली गई, कई लोगों के बच्चे चले गए, कई लोगों के करियर नष्ट हो गए, कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए। तो विनाश की व्याख्या इस तरीके से करिए बीके में। मैं आपके माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्था से बात कर रहा हूं, ये अगर कोई भी वरिष्ठ सुन रहा है तो कृपया इसका संज्ञान ले और उसका जवाब दे। थैंक यू।
अजय गुप्ता जी क्या बोलेंगे? अजय गुप्ता जी प्रीति दीदी, ये जो प्रवीण जी ने बोला, आपने बोला था कि डॉक्यूमेंट कोर्ट के गलत है, स्टंप नहीं लगी है, इनसे पूछ दियो 1989 से पहले किसी की फोटो नहीं लगती थी, आज इतना चेंजमेंट हो गया। मैं आर्मी में हूँ, इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट से, आर्मी से या राष्ट्रपति से लागू होते हैं उसकी कॉपी ही मिलती है, उस पर स्टंप नहीं लगता है। अगर कल को कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना नाम लेके खोलता है, उसके बाद अगर उसको क्या ब्लैक घोषित कर दिया जाता है तो वो नए नाम से लेता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये साइंस पढ़े हुए हैं, मैं तो इंटर पास हूँ, इनसे पूछिए जी। धन्यवाद। राधु जी क्या बोलेंगे? बोलिए राधु जी। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो भाई जी ने बोला कि विनाश नहीं हो रहा है, विनाश तो हो रहा है ना, युद्ध हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो टोटल तो विनाश नहीं होगा ना, धीरे 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 करके होगा ना विनाश, विनाश तो चालू हो गया है, विनाश तो चालू हो गया है। राधु जी क्या अपमान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी तो विनाश है ना, आप टोटल विनाश नहीं होगा, ये परिवर्तन है, विनाश नहीं है, परिवर्तन है। राधु जी बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, राधु जी की बात का जवाब दीजिए। हाँ, आप जो बात बोल रहे हैं ना, विनाश नहीं हो रहा है क्या, विनाश नहीं, विनाश की व्याख्या क्या है? ये अभी थोड़ी देर पहले पोस्टर दिखाया था, उसमें सीधा सीधा बोला था कि 2000 में लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, कृष्ण का जन्म हो जाएगा, और जब श्री कृष्ण बड़े होंगे तब ये लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। अब ये आप ये घुमाओ फिराओ, जो जलेबी वाले बोलते हैं ना विनाश नहीं हो रहा, विनाश तो फिर सिनोजोई का एरा, जुरासिक एरा से चल रहा है विनाश तो फिर भाई। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो अरुण जी भी कुछ बोलना चाहते थे। विनाश धीरे धीरे होगा भाई साहब, धीरे धीरे नहीं होगा, विनाश का डेट कई बार चेंज हो चुका है, 2000 में आपके पास सामने प्रूफ दिखा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस यही बोल बोल करते गाना गाने लगते। नहीं, अरे तुम प्रमाण लाओ ना भाई, हम तो प्रमाण पे प्रमाण दे रहे हैं, फोटो पे फोटो दे रहे हैं, आपके खुद के पिक्चर्स दे रहे हैं, और बीके के पब्लिकेशन के हम लोग एविडेंसेस दे रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या देंगे भाई? बहुत आसान है, नहीं करके खारिज कर दो इनको, पैनल पे आके दूसरा जो भी कहे उसको डिनाई करना है, जो भी कहो डिनाई कर दो और अपना कुछ दो मत। हाँ बस, लोग यहाँ पढ़ाई कर करके रिसर्च कर करके बैठे हुए हैं, एविडेंसेस पे एविडेंस दे रहे हैं, प्रूफ पे प्रूफ दे रहे हैं, बस नहीं करके खत्म। अरे हाँ सतीश जी शांत, एक मिनट मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ। पृथ्वी का विनाश होगा 2036 में आपके अनुसार, आपके भगवान ने बताया दुनिया डूब जाएगी, पृथ्वी जी कनाडा में है वो डूब जाएंगी, मर जाएंगी। मैं इंडिया में हूँ, मैं ब्रह्म कुमारी में नहीं हूँ, मैं भी मर जाऊंगा, सारी ब्रह्म कुमारियों का हो सकता है पर मेरा नहीं होगा। हाँ, ये मेरी बात याद रखिए। नहीं, एक मिनट प्रीति, एक मिनट मैं अपनी बात रख देता हूँ, फिर आप कह दीजिएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाली आप 900,000 ब्रह्म कुमारी, 900,000 ब्रह्म कुमारी ही स्वर्ग जाओगे। ओके, जाओ, किसने रोका है? टिकट में जाओ, ट्रेन में जाओ, फ्लाइट में जाओ, आई डोंट केयर, जाओ ना। अब मुझे ये बताओ, 900,000 ब्रह्म कुमारी कौन काउंट पाएगा? उसमें आप आओगे या आप मेरे साथ आओगे? वहां तो पॉपुलेशन होगी 15,00,000 की, 20,00,000 की। आप मुझे बताइए कि आपके सेंटर कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, और ये बताने के पहले आपको बताना पड़ेगा आप ऑथराइज पर्सन है बताने के लिए। जैसे आप हमसे सबूत मांग रहे हैं, हम भी आपसे सबूत मांगेंगे, मैं अपनी आईडी यहीं दिखाने को तैयार हूं, अपनी आईडी प्रूफ आपको दे दूंगा, आप मेरे घर पे आइए, मेरे माँ बाप से मिलिए, मेरी बहन से मिलिए, सब संतुष्ट है, खुश है मुझसे, हम भी आके आपके घर पे आपके परिवार से मिलना चाहते हैं कि आप कितने संतुष्ट हैं, आपके परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं आपसे, मैं वो देखना चाहता हूं। तो इस बारे में तो आप खुल के बात करेंगे, इंसान है तो इंसान के हिसाब से बात करेंगे, कम से कम बताइए, हम आना चाहते हैं। और वहीं पे जो जिले का नाम लेंगे, आने के पहले
हम 300-400 आदमी आएंगे, अपना अरेंजमेंट हम करेंगे, वहां आपको बुला के, आपके माँ बाप को बुला के, आपकी बीवी बच्चों को बुला के, जो भी आपके घर में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आप आने को तैयार हैं? आप अपने भगवान का प्रचार कीजिए, और हम उस भगवान को काट रहे हैं, गलत है ये, दोनों मुकाबला करते हैं, युद्ध होगा तो ही तो हार जीत होगी, बिना आईडी के आ जाएंगे, बैठ के बातें कर लेंगे, इससे क्या प्रूफ होता है? यू आर फेक पर्सन, फेक से हम क्या बात करें, क्या बात सुने? तो हिंदू जो भी देख रहे हैं, ये ब्रह्म कुमारी वाले पूरे फेक है, कोई भी अपना पता देने को तैयार नहीं है, और मैं अपना फोन नंबर, पता, एड्रेस सब देने को तैयार हूं, तो ये भगवान के बच्चे कुछ नहीं देने को तैयार हैं। तो ये भगवान के बच्चे कैसे हैं? खाली एक बैच से जो 250 का ही लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये बता तो नहीं रहे हैं। प्रवीण जी कुछ कहना चाहते हैं, अभी अरुण जी रुकिए, प्रवीण जी बोलिए। अरुण जी, आपको मैं मेरा एड्रेस, मेरा नाम, सारे डिटेल्स में देने के लिए तैयार हूँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, और आप बोल रहे हो कि एक मिनट, आप आईडी प्रूफ, ब्रह्मा कुमारी का आईडी प्रूफ जरूर दीजिएगा प्लीज। आईडी ये है, आईडी ऐसा होता है कि आपने दैट शुड बी प्रोड्यूस ऑन द कोर्ट, जैसे आप आधार कार्ड देते हैं, टिकट लेते हैं, तो स्टैंप, स्टैंप वैसे आईडी दीजिए। ऐसे एविडेंसेस, एक बिल्ला नहीं चाहिए मुझे, आपका बिल्ला नहीं चाहिए, अगर आप मुझे बिल्ला देंगे 500 आदमी वहां पैदा कर लूंगा बिल्ला लेके, मुझे बिल्ला नहीं चाहिए ब्रह्म कुमारी का, स्टैंप चाहिए। हाँ मुझे दीजिए, एड्रेस दीजिए, मुझे पर्सनली दे दीजिए, मैं आ जाता हूँ, मुझे पत्नी प्रीति जी को मेल कर दीजिए, ये मुझे मेल कर देंगे, मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा। अरुण जी, हमारा डिस्कशन जो है, कल के बाद अगर आप आए, देखिए मैं जब से आया हूँ मैं वीडियो ऑन करके, ये बाबा के आदमी हैं, ये बाबा के आदमी हैं, एड्रेस नहीं दे पा रही हैं, अब भगवान के बच्चे अपना एड्रेस नहीं दे पाएंगे, मैं देने को तैयार, मैं भगवान का बच्चा नहीं हूँ, मैं इनके भगवान का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो राक्षस का बच्चा हूँ, मैं अपनी आईडी दे सकता हूँ, एक राक्षस का बच्चा अपनी आईडी दे रहा है, ये भगवान के बच्चे अपनी आईडी दे पा रही है, तो कैसा भगवान इनका, पावरलेस, ये क्या साबित करना चाहती हैं? शिव बाबा बेवकूफ है, ब्रह्मा बाबा बेवकूफ है, लेखराज बेवकूफ था, इनके कुछ पावर ही देके नहीं गया 20 साल से ब्रह्म कुमारी में है। एक बात, ये डिबेट खत्म करते हैं, एंड का निष्कर्ष ये निकला कि हमने जो प्रमाण दिए पहले पॉइंट पे लेखराज के कैरेक्टर पर, तो ये जो है ना, तो हमारे प्रमाणों को इन्होंने जो है झुटला दिया, जबकि और कह रहे हैं कि कैरेक्टर ढीला था उनका, अरुण जी मैं समाप्त कर रही हूँ, और मैं समाप्त कर रही हूँ, तो ये जो है हम, मैंने जो लेखराज के कोर्ट के एक्सर्प्ट दिखाए जो कि स्टैम्प्ड नहीं होते, अकॉर्डिंग टू अजय जी ने अभी बताया कि वो मिलिट्री में है और उन्होंने बताया कि स्टैम्प्ड नहीं होते हैं, और ये एक्सर्प्ट हैं, ये ओरिजिनल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स निकाल के पढ़ लेना, हम लोगों का कल्याण करने, सत्य को जो है उजागर करने आए हैं, हमारा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, और इसी में ये लेखराज के अच्छे चरित्र का भी कोई प्रमाण नहीं दे पाए, कोई भी एविडेंस नहीं दे पाए, जबानी जमा खर्च, कूड़े वाली बुढ़िया, जो इस्लाम की बड़ी फेमस कहानी है कूड़े वाली बुढ़िया, वो वैसी ही बात है, जैसे कि सिद्धार्थ बुद्ध जो थे वो, उन्होंने उसको बचाया था, ये वैसी ही बात है, वैसी ही कहानी है, जिसको कोई प्रमाण नहीं है, इनका सब कुछ मुंह जबानी है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि जो जो हमारी जो गीता है उसको लेकर उसमें ब्रैकेट लगा लगा के शब्द ठूंस दिए, अल्लाह अव्वल दीन सत्य सनातन, ये सब करके और उसका नाम रख दिया सच्ची गीता, यानी कि जो ओरिजिनल श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कही वो झूठी है, और ये जो लेखराज पाजी ने बोली ये बढ़िया है, ये सच्ची है, तो ये एक धृष्टता है, ऐसे व्यक्ति को कोड़े पड़ने चाहिए मेरे हिसाब से, और उस पर जुर्माना होना चाहिए और उसको जेल भी होनी चाहिए, जो किसी के ग्रंथों को, होली स्क्रिप्चर्स को चुरा के उसमें ब्रैकेट लगा लगा के उसके अर्थ का अनर्थ करता हो, उसमें इस्लाम को ठूंसता हो, और तो ये कोई भी प्रमाण अपनी तरफ से भी नहीं दे पाए कि कोई लेखराज ने कोई किताब लिखी हो, क्योंकि वो तो ऐसा था ही नहीं, ना तो उसमें, मैंने शुरुआत की थी कि उसमें 6 ये मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, ये सब ना हो, ये प्रूव उसमें से कुछ भी नहीं कर पाए कि लेखराज एक अच्छा व्यक्ति था।
हिप्नोटिज्म और त्राटक और हठ विद्या, ये छोटी सी चीजें, राजयोग भी जो है पतंजलि के सूत्र हैं हमारे 11th सेंचुरी के, और उसके ऊपर विवेकानंद जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम राजयोग है, वो भी मैंने दिखा दी खोल के, वो भी जो है इन्होंने चोरी करके और राजयोग के नाम से पैसा लोग रहे हैं, अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, ना तो ये आध्यात्मिक हैं किसी भी तरह से, पैसा माइंडेड हैं। तो अगर कोई कहता है, ये कहते हैं कि भाई लोग हमें डोनेशन दे जाते हैं, हम क्या करें, तो डोनेशन तुम लेते क्यों हो, तुम उसमें बना सकते हो कि जो अमीर है वो 1000 से ज्यादा रुपए डोनेट नहीं कर सकता, जो गरीब है वो 1 रुपये से ज्यादा नहीं कर सकता, हम जो है ऐसा बना सकते हैं, पर ये कभी भी ऐसा रूल नहीं बनाते, बल्कि बहुत लोगों की इन्होंने पूरी पूरी एस्टेट पैतृक संपत्ति जो है वो चुरा ली है। तुम अपने आप को आध्यात्मिक कहते हो और पैसे से इतना ज्यादा मोह रखते हो, तो तुम किस टाइप के आध्यात्मिक हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा ये ईश्वरीय है, तो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया कि काम जो है वो काम क्रोध लोभ ये सब, इसमें से काम बहुत ज्यादा था उसके अंदर, लेखराज के अंदर, और मैंने प्रूव कर दिया है। अब तुम उसको झुटला दो कितना भी, तुमने काउंटर प्रमाण कोई भी नहीं दिखाया मेरे प्रमाण को निगेट करने के लिए, इसलिए तुम्हारा ये आउट होता है। और जो है वो विश्वविद्यालय भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ तक कि लड़कियों ने ये भी कहा कि गीता उसके हाथ से गिर गई, लेखराज ने स्वयं कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, तो ये कोई ईश्वरीय वो है ही नहीं। और ऐसे मुंह जबानी जमा खर्च है, अनुभूति बहुत अच्छी होती है, ड्रग एडिक्ट्स को भी बहुत ऊंची पैराडाइज दिखता है उनको, थोड़ा सा ड्रग्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स और ड्रग्स आते हैं मार्केट में। सतीश जी आपको क्या कहना है ड्रग्स के बारे में, क्या ऐसी अनुभूति जो है वो ड्रग एडिक्ट्स को भी होती है, वो भी आपको जन्नत पहुंचा सकते हैं, इस्लाम आगा खानी ये सब इस पैसे लेते हैं बदले में जन्नत देते हैं। तो ये ब्रह्म कुमारी आसुरीय मदरसा है। बोलिए अरुण जी क्या बोल रहे हैं, लास्ट में मैं खत्म कर रही हूँ इस डिबेट को, क्योंकि डिबेट का कोई फायदा नहीं है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज की दुनिया में रहते हैं तो इन्होंने जहाँ से भी इंजीनियरिंग की हो, जिसने सॉफ्टवेयर का डिग्री ली है, तो कॉलेज से पढ़े होंगे, वो ड्रॉप हो गए, देखने से पहले उन्होंने देखा होगा, शायद मैंने उनको म्यूट कर दिया था, तो थोड़ी देर तक म्यूट रहे तो वो पेशेंस लूज करके ड्रॉप हो, लोगों तक बात पहुंच रही है, हमें इनसे मतलब नहीं है। तो यूजीसी से यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त होती है, तो ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय क्या यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, कोई भी ब्रह्म कुमारी का आदमी चेक कर सकता है, इनको पढ़ाया गया है कि तो भगवान की वो है, तो भगवान की है तो भगवान के हिसाब से करो ना, विश्वविद्यालय क्यों लिख रहे हो, विश्वविद्यालय क्या होता है, मदरसा है, कनाडा में अनट्रेंड है, यहाँ पर जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये अनट्रेंड ब्रह्म कुमारियां लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं, और वो गलत क्यों है, क्योंकि बहुत सारे हिप्नोसिस जो करते हैं वो कभी सजेशन नहीं करते, वो खाली सुनते हैं, लेकिन ये लोग सजेशन भी देते हैं ट्रांस स्टेट में, जो कि एक अनएथिकल बात है। बोलिए राधु जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे तो ठीक तो नहीं पढ़ते हैं ना, कोई बच्चे ठीक से पढ़ता है, कोई बच्चे तो ऐसे ब्रह्मा कुमारी में टीचर तो टीचर को जो दुष्चरित्र नहीं होता ना, टीचर गोदी में बिठाकर जो है वो किसे और एम्ब्रेस तो नहीं करता, वो नंगा तो नहीं नहाता ना 6 सुंदर लड़कियों के साथ, गोरी लड़कियों को एम्ब्रेस तो नहीं करता, किस तो नहीं करता, उसकी उसकी जो है पेट पर जो ये सारे घेर कर वो तो नहीं खेलते ना ताश, ये सब झूठे हैं प्रीति जी, ये सब झूठी बात है, सब झूठे हैं, everybody in the world is false except for you who cannot show any proof, everybody is speaking lies। अरुण दवे जी आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। अच्छा अरुण जी बोलिए। राधु जी नमस्कार, यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उस पे आपको घमंड है। राधु जी अरुण सिंह तो रहे हैं, राधु जी सुन पा रहे हैं क्या, आप
बोले बोले आप राधू जी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं क्या शो करते हैं बायोडाटा में? बायोडाटा में अपना पुराना कंपर ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुराने आप हाँ बोले बोले एक मिनट मैं आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन हो जाने दीजिए। हाँ बोले बोले आप रीजनल कॉलेज इंजीनियरिंग भुवनेश्वर से पास हैं, आईआईटीएन हैं या जहाँ भी आप इंटरव्यू जाते हैं? नहीं आईआईटीएन में नहीं हूँ मैं, क्या देते हैं? डेट ऑफ एक अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई, बीच में मत बोलिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं वहाँ पे, फिर अपनी दसवीं का सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, फिर बारहवीं का देती हैं, फिर आपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है दैट इज अ ग्रेजुएशन, यू आर नॉट ए पोस्ट ग्रेजुएट, यू आर नॉट ए पीएचडी, यू आर जस्ट अ ग्रेजुएट। हो सकता है आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं ग्रेजुएट हूं, मेरा जो मेरा देखिए और अंकल जी देखिए मेरा जो है मेरा जो अरुण जी पर्सनल बातें ना करिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं मैं नहीं समझती हमें पर्सनल बातें में नहीं आना चाहिए। अरुण जी मैं तो समझती हूँ आप स्टॉप हो जाइए इस बारे में। अरुण दवे जी आपको कुछ बोलना है बोलिए। आप क्या बीके हैं, पीबी के हैं, क्यों कौन है आप, एक्स बीके हैं, कौन है अरुण दवे जी? बीके में थोड़ा सा इन्वॉल्व था, अभी तो नहीं हूँ मैं कुछ भी। मैंने आपको एक मेल किया था इनिशियल जो मेरे को टीचिंग हुई थी क्लासेस का। अच्छा मेरे पास बहुत मेल्स आ जाती हैं, सॉरी मैं सबकी मेल्स पढ़ नहीं पाती हूँ टाइम पे। तो आपको कुछ कहना है इसमें, हमारी डिबेट सो कॉल चल रही है, अब सबके से मैंने परमिशन लेके सब लोगों को जोड़ लिया है, तो आपको क्या कहना है? नहीं अभी तो मेरे को कुछ नहीं कहना है बस। तो फिर ठीक है, आप नीचे से देखिए फिर जी। प्रवीण जी आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है ये डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन हर एक बात को झुठलाना ये भी गलत है। आपके तरफ से एविडेंसेस मांगना और देखिए एक स्टूडेंट होना और वो भी आध्यात्मिक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो आप झुठला रहे हैं और एविडेंस आप मांग रहे हैं। सुनिए जो चीज आप दूसरे से मांग रहे हैं वो भी स्टैंप लगी हुई, अपना तो आप कुछ भी नहीं दिखा पाए। हाँ मैं अरे आप बोलने ही नहीं देते, आप म्यूट कर देते हैं। चलिए अभी दिखा, म्यूट कर देते हैं, अभी म्यूट कर देते हैं सबको, आप म्यूट कर देते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ देखिए ब्रह्मा कुमारी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई यूजीसी या ऐसा ग्रांट लेके ऐसा कोई एस्टेब्लिश एजुकेशन सेंटर नहीं है। और अरुण जी आप मैं जब ऐसे ऐसे मैं बोलने के लिए जब ऐसे कर रहा था तो आप एक अलग प्रकार की उंगली दिखा के कुछ और कर रहे थे, ये क्या बिहेवियर है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। टाइप ऑफ बिहेवियर नहीं, आपका बिहेवियर क्या है? नहीं व्हाट इज योर बिहेवियर? प्रवीण जी आप जो है टॉपिक सही, यही बात है, मैं इस्लामियों को भी लेती थी पहले तो वो इधर उधर जलेबियां बनाते थे, अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब आपको अनम्यूट करके बोलने दिया जाता है तो आप पर्सनली बातें कर रहे हैं, अब वो उंगली दिखा रहे हैं। वो एक्चुअली में अरुण जी किसी के बोलते समय काटना नहीं चाहते, वो इतने शरीफ हैं कि वो ऐसे उंगली दे के बोलते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक, वो इसलिए उंगली दिखाते हैं। और आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आप अपना पॉइंट बोलिए, आप ये दूसरों पर पर्सनल अटैक मत करिए। देखिए आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, जब मैं बात कर रहा था और मैं ऐसे बोलने के लिए मतलब कुछ कर रहा था, he was indicating something else. नहीं नहीं वो एक्चुअली में इंपेशेंट हो जाते हैं और नहीं, वो अपना नहीं, नहीं, बोलना चाहते नहीं, हैं। नहीं नहीं दैट इज व्हाट इज नॉट जस्ट टुडे अरुण जी, हर रोज ऐसा करते हैं। जब कोई बोल रहा होता है तो उनका मन करता है कि मैं इसमें भी बोल लूं उसमें भी बोल लूं, तो मेरे को जबरदस्ती म्यूट करना पड़ता है ताकि दो लोग एक साथ ना बोल लें। और अरुण जी हमेशा जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं मैं भी बोलूंगा इस पॉइंट पे। तो ये आज की बात नहीं है, पुराने सारे वीडियोस निकाल के देख लीजिए, वो हमेशा उंगली दिखा रहे होते हैं। आप देखिए आप रिकॉर्डिंग देखिए, देन यू विल रिपेंट। जलेबी मत बनाइए, आपको आज अरे जलेबी छोड़िए, जलेबी आपको अभी अरुण जी को छोड़िए, आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में क्या बोल रहे थे वो बोलिए। हाँ ठीक है,
देखिए नॉलेज, ये जो सारे लोग संस्था से जुड़े हुए हैं वो नॉलेज परफेक्ट है और वहां से जो मिल रहा है उसका अनुभव हर एक को मिल रहा है। अगर पांच अनपढ़ लोग मिलके बोलें कि भाई ये तो बड़ा अच्छा नॉलेज बता रहा है, देन हु इज द अथॉरिटी? कौन है अथॉरिटी जो बोल रहा है ये नॉलेज परफेक्ट है? हाउ कैन यू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दिस? तो हाउ कैन यू मेक स्टेटमेंट कि इट इज रॉन्ग? बिकॉज इट इज नॉट अ विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी वो अप्रूव्ड वो मिलता है। इट इज नॉट अ विश्वविद्यालय। उसके जो है वो है नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं कि ये कैसे विश्व, ये किस टाइप की विश्वविद्यालय जहां लोग रह रहे हैं, रेप कर रहे हैं और मोलेस्टेशन हो रहा है, कॉन्डोम्स मिल रहे हैं, वहां पर नाक तोड़ी जा रही है। लेट मी शो यू दिस यूनिवर्सिटी, अ व्यू ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आई कैन शो यू अ व्यू ऑफ दिस यूनिवर्सिटी कि ये यूनिवर्सिटी है। आप बोल रहे हो ये यूनिवर्सिटी है, इसका प्रमाण दीजिए। देखिए आपने ये वीडियोस फाइटिंग के और ये दिखाए हुए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। आपको यहाँ पर आके खाली एक जबान से बोलना ये झूठे हैं, दिस इज फॉल्स। अगर तुम्हारी दादी को भी दिखा देंगे मतलब हो जाएगा, ये तो लोग बुरे हैं, संस्था तो अच्छी है। बदमाश लेखराज के दिखा देंगे तो बोलोगे कि इसमें स्टैंप नहीं लगी हुई है। देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू यू बिकॉज यू आर टोटली, यू हैव नो आर्ग्यूमेंट। आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते कि ईश्वरीय है ये या विश्वविद्यालय है। हमें लगता है परफेक्ट है। आप हो कौन? हु आर यू? यू आर नोबडी। अनम्यूट, अनम्यूट करिए। देखिए आप मुझे बकवास बोल रहे हो, आप मुझे बहुत कुछ बोल रहे हो। नहीं, यू आर नोबडी टू से इट इज अ विश्वविद्यालय। आर यू स्पिरिचुअल? आर यू स्पिरिचुअल? आप कौन हैं? सुनिए आप देखिए, कोई स्पिरिचुअल हो या ना स्पिरिचुअल हो, नहीं नहीं मैं एक 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 इनको सिंपल कौन बता रही हूँ। इट डजंट मैटर इफ आई एम स्पिरिचुअल और नॉट स्पिरिचुअल। इवन इफ आई वॉज स्पिरिचुअल, आई कैनॉट कॉल अ यूनिवर्सिटी एज विश्वविद्यालय। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मेरे को लगता है ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। ही डजंट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग। ये कह रहे हैं आप मतलब स्पिरिचुअल है, मतलब ये मेरी स्पिरिचुअलिटी पर डिपेंड करता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ तो किसी को विश्वविद्यालय बोल सकती हूँ? मतलब ये कि ये कोई अगर स्पिरिचुअल है तो वो किसी चीज को ये बोल सकता है कि ये विश्वविद्यालय है, और अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो वो नहीं बोल सकता। इनका ये क्राइटेरिया है, मतलब विश्वविद्यालय बोलने का ये क्राइटेरिया है कि आप खुद अगर स्पिरिचुअल हो तो बोल सकते हो कि ये विश्वविद्यालय, और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो नहीं बोल सकते। दिस इज हिज नॉलेज। अब आप, मैं क्या बता सकती हूँ? इट इज यूजलेस। मंजीत जी आप क्या बोलेंगे? जी लेखराज के बारे में ये मैंने इनको प्रमाण दिखाए कोर्ट के जो एक्सर्प्ट्स हैं, तो ये कहते हैं उस पर स्टैंप नहीं लगी तो वो झूठे हैं। ये खुद ही झूठे हैं। ये इनके पास जब ये अरुण जी इनको बोलने दीजिए। मंजीत जी एक मिनट बोलने दीजिए इनको। मंजीत जी को बोलिए। मंजीत जी कंटिन्यू। ये जो बोल रहे हैं ना, मैं सुन रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, मैं इसीलिए आया। ये जो जितनी भी बातें हैं ना इनकी, ये पूरी अनलीगल और झूठी है। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, एक भी प्रमाण इन्होंने मैंने देखा अभी तक नहीं दिया, ना दे सकते हैं। ये इनके पास जितनी भी बातें हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं अपने आप से, और मनगढ़ंत बातों का कोई भी सार नहीं होता। जैसे गीता का कोई सार है, इनके पास कोई सार नहीं है। ये इधर से आधी उधर उठा लाते हैं, आधी उधर से उठा लाते हैं, आधी कुरान में से उठा लाते हैं, आधी गुरु ग्रंथ साहब में उठा लाते हैं। मैंने इनकी मुरलियां पढ़ी है, ये सब बकवास है, और वहां पर मेरी मुरलियों के चक्कर में फाइट भी हुई है। इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय शैतानियत के। ये जो लेखराज है जिसको बोल रहे ना, ये कालनेमी है असली। इसका जो मेन जो गुरु है ना, वो उसका नाम है कालनेमी, जो शैतान नहीं राक्षस है वो, जो सतयुग से चला रहा है, उसकी कलयुग के अंदर उसकी ग्रानी होके उसकी पूरा का पूरा उद्धार होगा। ये इनकी बातें सब बकवास है, कुछ भी नहीं है इन बातों में। ये बनाओ, ये क्या उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, मानव मर्यादा को ये बोलते हैं कि भाई इनको अनुभूति हुई है और इनको पता है कि वो ईश्वर है या जो भी है, इनको नहीं। झूठ बोलते, कोई अनुभूति नहीं हुई इनको। ये मेरे सामने आ जाए अगर ये अनुभूति हुई हो तो एक भी अनुभूति बता दे और उसको प्रमाणित करके दिखा दे। एक भी व्यक्ति पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बीके हैं, वो एक भी व्यक्ति मेरे को अनुभूति करके बता दे मेरे सामने, तो मैं मान जाऊंगा, मैं खुद बीके बन जाऊंगा।
नहीं तो इनको सबको नॉन वीकर सतीश के पास में जाके रहना पड़ेगा। जी प्रवीण जी आपका क्या कहना है? देखिए सारे बबल हो रहे हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपने जो एविडेंसेस बताए या जो भी संस्था ये आईडी ये एविडेंसेस वगैरह वगैरह, अनुभूति का कोई प्रूफ नहीं होता है, अनुभूति ही अनुभूति होती है एंड यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट दैट। ठीक है, और आपके पास प्रूफ आ जाइए, डिस्कस करेंगे। और एविडेंसेस क्या, ऐसे हजारों लाखों मेरे पास अनुभव है, जन्म से है मेरे पास, और भी ज्यादा अनुभव है वेदों के, और आपके यहाँ पर लिखा हुआ है वेद गपोड़ हैं, जबकि मुझे वेदों का अनुभव हुआ है और यहाँ पर लिखता है लेखराज लिखवाता है कि वेद गपोड़ हैं, मतलब उसकी धृष्टता तो देखिए। प्रीति जी मेरे पास ये लेखराज जी नहीं बोले हैं, ये परमपिता खुद बोले हैं। अब जब जो दुनिया परमपिता मेरे पास आते हैं और वो मेरे को अनुभूति कराते हैं कि लेखराज एक बदमाश आदमी था। परमपिता मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे को ये अनुभूति दी, क्या मुझे उन्होंने प्रेरणा दी? आप क्या सोच रहे हैं ये कोई एक आम व्यक्ति का काम है कि वो इतने बड़ा एक नॉन प्रॉफिट चैनल चलाकर, इतनी बड़ी संस्था जो इतने सारे ग्लोबली प्रेजेंट है 150 कंट्रीज में, वो जो है इनसे पंगा लेगी? और बिना फाइनेंस के, बिना मैं अपने इतने घंटे जो यहाँ पर स्पेंड करती हूँ, आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर क्या जो है ईश्वरीय मेरे को प्रेरणा नहीं दी है? मेरे पास ईश्वरीय प्रेरणा है, मुझे डेली, क्या मैं ये नहीं बोलूंगी टचवुड, मैं अपनी पर्सनल वो बातें नहीं बताना चाहती, मुझे ईश्वर के दर्शन भी हुए हैं और मुझे ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है और मुझे मुझसे ईश्वर संवाद करते हैं, मुझे उनकी बल प्राप्त है, मुझे उनका बल प्राप्त है, इसीलिए मैं ये कार्य कर पा रही हूँ। और एक बात लास्ट कह दूं सतीश जी पे जाने से पहले कि सारी ब्रह्म कुमारियां यहाँ आकर अपने आप को दिव्य आत्मा बोलती हैं, मेरे लिए गंदी गंदी बातें करती हैं। यहाँ पर एक ने बोला कि मुझे पैरालिसिस हो जाए, मेरे पास साइकिक अटैक्स की, ये सारी बातें करती है, पर आज आपको कभी मैं कम मुस्कुराती हुई दिखी? मैं डेली, मेरा आनंद कोश जो है ना, जब प्रभु से आपके दर्शन होते हैं तो आनंद कोश भर जाता है, वो भर के फैल रहा है नीचे, इतना बड़ा अनुभव मुझे हुए हैं। आपको क्या लगता है मैं एक साधारण सी लड़की जिसके पास न जॉब है न कुछ है, ऐसा चैनल चला के मेरे पास इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? कभी आपने सोचा कि मेरे पास कितनी भयंकर सूक्ष्म शक्ति है जो मुझे ईश्वर से डायरेक्ट मिलती है? आपको पता है सूर्यदेव मेरे को अपनी आभा देते हैं, मेरे अंदर से आभा निकलती है, आपको मालूम है? प्रीति जी इस बात को थोड़ा सा मैं आगे रखना चाहूंगा, केवल दो लाइनों में प्लीज मेरे को मौका दीजिए। प्रवीण जी आपने सुना ये लास्ट में प्रीति जी ने कैसा बोला है ना, मतलब आप ये खुद सोचिए कि जिसको सही में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है या दिव्यता प्राप्त होती है ना, वो अपने मुंह से बखान कभी नहीं करता है। और ये ब्रह्मा कुमारियां रोज बोलती है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ज्ञान मूर्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देवी हूँ, और ये तरीके से और लोगों के कानों में भर भर के उनको ऐसा बनाती है। ये प्रीति जी ही है जो मैंने इतने दिनों में मैंने अब भी सुना इनके मुंह से, वो भी मतलब टच वुड करके, और मतलब इतना नम्रता से बोल रही है वो। और आप ये सोचिए छोटी सी भी बहन होंगी ना, जस्ट बीके बनी होंगी, तो उसमें इतना गुरूर आ जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, प्लीज मेरे को बोलने दीजिएगा एक मिनट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने आप को एजुकेटेड बोल रहे हैं, आप थोड़ा क्रिटिकल माइंड यूज करिएगा और ये बीके ज्ञान को सही रीति से समझने की कोशिश करिएगा कि कितना पद भ्रष्ट करने वाला है। जिस साइंस को आपने पढ़ा है, जो भी एजुकेशन आपने लिया है, जिस बलबूते पे आप रोटी खा रहे हैं, उसके बलबूते पे आपने नौकरी हासिल करी है, उसको झुटला कर ये एक मिथ्या ज्ञान को एक्सेप्ट कर करके आप अपने अपने साथ डिसऑनेस्ट हो रहे हैं। आपके जो माता पिता ने आपको जो पालना दी है, आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, आप उनको जो है डिफेम कर रहे हैं इसमें। आप सही मार्क कीजिए, सही लोग हैं इस दुनिया में। मैं खुद मतलब बीके में पूरा फॉलो हो गया था, मैं खुद पूरा इन्फ्लुएंस हो गया था, लेकिन फिर मैंने बोला मैं एग्जैगरेट हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेरे को मतलब ऐसा होने लगा था, गिल्ट कॉन्शियसनेस। लेकिन मेरे को ये जैसे प्रीति जी बता रही है कि भगवान ने उनको बचाया, भगवान ने उनको प्रेरित किया, तो मुझे भगवान ने बचाया और इन लोगों से मिलवाया मुझे,
तो इस रियल भगवान को आप जानिए, भगवान सूक्ष्म है, भगवान कभी एग्जेगरेट नहीं करता कि मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं ज्ञान सागर हूँ, ये रोज 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 आकर के ऐसे दो लोगों के कानों में दिमागों में नहीं भरता। भगवान सिर्फ अपना कार्य करते हैं। और जो पावर का भूखा, ये पावर का भूखा कोई प्रेत है, और सब लोग जो बीके में है वो अनफॉर्चुनेटली प्रेत योनि में जाने वाले हैं। भगवान जो है निर्मल निर्मल करो, निर्मल मन से हो जाओ, भगवान आपके साथ है। उसके लिए बीके सेंटर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान आपके साथ में है। आज ये प्रीति जी ने जो इतना कॉन्फिडेंस से बात करी है, वो क्यों? ये अंदर से निकली बातें हैं, आप इसको रियलाइज क्यों नहीं कर पाते हैं? करिए रियलाइज, भगवान सबके साथ है, बीके की मोनोपोली नहीं हो सकती सर। थैंक यू। एक रिक सांचेस भी जुड़े हैं, आप भी बोल लीजिए रिक सांचेस जी। हाँ जी, तो जी। ये क्या है, ये बीके वालों की न्यू इसी चीज पे बनी हुई है कि ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ही परमात्मा आता है। ये कौन सा परमात्मा है? कभी दुनिया का इतिहास खंगाल के देखा है कि ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ था कि किसी परमात्मा या फिर किसी ने, किसी दैवीय शक्ति ने आके उनको साक्षात्कार दिया? ऐसा बहुत से लोग हैं दुनिया में, बहुत बहुत ही ज्यादा। इसको एक प्रकार से जिसमें एविडेंस नहीं मिलते और वो व्यक्ति मेंटल मिलता है, उसको मसाया कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मसीहा कॉम्प्लेक्स हिंदी में कहे तो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स का नहीं पता अर्थ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कल्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, किसी के तो धर्म भी बने हैं। एक एग्जांपल मॉर्मनिज्म का मैंने पहले दिया था, अर्ली 19th सेंचुरी में जोसेफ स्मिथ ने, उसको भी ऐसे ही हुआ था लेखराज की तरह ही। उनका क्या, वो झूठे कॉम्प्लेक्स है। मोहम्मद को भी था, ये सारे जो वर्चस्व के भूखे होते हैं इनको दो चीजें चाहिए, लोगों की पत्नियां। ये बोलते हैं कि जो जो जितनी भी फॉलोवर्स हैं उनकी वाइफ हमारी हैं। और एक मिनट रिक सांचेस जी, वो ये भी बोलते हैं कि ये पहले हमारी पत्नी थी, तुम इसको चुरा ले गए। तो वो सब के साथ सेक्स करते हैं और कंट्रोल करके अपना कल्ट का वो बनाते हैं। सेम है 8-10 कल्ट का, मैं कंपैरिजन करके जो है मैंने ऑलरेडी स्ट्रीम्स में करा हुआ है इसका कंपैरिजन। और ये जो है कॉम्प्लेक्स मोहम्मद को भी था, उसने अपने आप को अल्लाह से भी ऊपर रख लिया था। उसने कहा जो अल्लाह के पास जाके माफी मांगेगा उसे अल्लाह माफ नहीं करेगा, पर जो मेरे पास आएगा उसे माफ करेगा। इसी तरह लेखराज ने अपने आप को उसके ऊपर रख दिया भगवान के भी। मैं आपको एक मुरली बताऊंगी, उसमें उसने ये लिखा है कि जो लेखराज है उसने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया। मैंने ये मुरली पढ़ी है, अजीब सी बात है सतीश जी, वो मैंने काफी टाइम हो गया मुझे उस मुरली को पढ़े, मुझे ढूंढना पड़ेगा, पर ये मैंने पढ़ी है मुरली जी। प्रवीण तो जी कुछ जी, रिक सांचेस जी अपना तो, बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो ऐसे बहुत से उदाहरण, इनको सिर्फ वो इस्लाम की ओरिजिन कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए कहीं पे, तो इनको बहुत सारी समानताएं मिलेंगी वहां पे क्या हुआ था और उन्हीं चीजों को ये लेखराज ने कैसे सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट किया। और ये ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है, ये कंपेयर नहीं करते, इतिहास को पढ़ते नहीं दुनिया के। इनका ही क्यों सच, उनका क्यों झूठ? वो भी तो इन्हीं के परमात्मा ने बताया था ना इनके ही मुताबिक, तो उनको क्यों झूठ बोला और इसको बताया वही सच क्यों? फिर ये समझ में नहीं आता इनको। और एक रिसेंट एग्जांपल बताऊं तो, अमेरिका में एक व्यक्ति है, अभी भी जीवित है, 60 से थोड़ा ज्यादा उम्र है उसकी, 65 के आसपास, उसको भी ऐसे ही हुआ था, क्रिस्टोफर ब्लेडसो नाम का आदमी। वो जी, तो कल्ट्स तो बहुत है, बहुत सारे हैं जी रिक्की, बहुत सारे। वो उसके बच्चे इस चीज को नहीं मानते, उसके खुद के बच्चे कहते कि ये कुछ तो अलग है, उसके यहाँ तो लोगों के कैंसर वगैरह बीमारियां ठीक हो जाती हैं, मगर उसने कोई धर्म नहीं शुरू किया। वो इन चीजों को भले ही खुद मानता होगा कैसा भी, उसके बच्चे नहीं मानते, उसके बच्चे कहते कि अगर होगा तो ये कुछ सुपर नेचुरल होगा, वो तो इनकी तरह अनुभूति समझ के नहीं बैठते। हमारे यहाँ तो योग योग की जो परंपरा चलती आई है उसमें गुरु हमेशा शिष्य को बताते हैं कि ये जो अनुभूतियां होती है योग करते वक्त होती ही है, मोस्टली साइकोलॉजिकल होती बात है। रिक सांचेस जी, मेरे पिताजी जब मरे थे उससे पहले ही उन्होंने मेरे को बता दिया था, चोला बदलना बोलते हैं इसको, और उन्होंने पहले ही बता दिया था मैं इतनी तारीख को इतने बजे मरूंगा।
मतलब अपना देह त्यागूंगा ये वाली, तो ये तो बहुत, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो पावर्स आती जाती हैं, ये तो बड़ी बेसिक बात है, लेकिन अगर उन पावर्स को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हो तो आपकी खत्म हो जाती है। प्रवीण जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। नहीं ठीक है, हर एक अपना अपना पॉइंट ही आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग, जो चल रहा है वो कंटिन्यू कर लीजिए, बट एक ही रिक्वेस्ट था कि बातों को म्यूट अनम्यूट, और ये जो कोई बोलना चाहता है तब आप उसको अनम्यूट रखिए। क्या होता है कि अरुण जी बोलिए, नहीं फिर दो लोगों का क्लैश होता है, फिर ऑडियंस सुन नहीं पाती है, इसलिए मैं हर एक को टर्न देती हूँ। ऐसे कुछ लोग डोमिनेट कर लेते हैं तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। ये बात ये समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, जितनी की बुद्धि उतना समझेंगे। ये वेल क्वालिफाइड है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छा पैसा है। सर मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ, क्या आप, मेरा नंबर यहाँ चलता रहता है, देख के आप मुझसे बात कर सकती हैं, अपना एड्रेस मुझे पर्सनली दे सकती हैं, और ये विश्वास मुझ पर कर सकती हैं कि मैं आपका फोन नंबर कहीं लीक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कोई संस्था लेके नहीं बैठा हूँ, बट एक छोटी सी मुहिम उठाइए, वो गलत है सही है वो फैसला आप करेंगे, दुनिया करेगी, उस पर हम काम कर रही हैं, हम गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकती हैं, समय बताएगा। तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके व्यूज देखना चाहता हूँ, आपका परिवार देखना चाहता हूँ, सब संतुष्ट हैं, खुश हैं या नहीं हैं, तो उस बारे में आप मुझसे कल संपर्क कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ अगर सत्य भगवान के पुत्र हैं तो आप मुझे संपर्क करेंगे। नंबर वापस राधु जी भी बोल दीजिए, राधु जी आपको कुछ कहना है बोलिए, राधु जी बहुत देर से छुपे हैं, बोलिए। मैं प्रीति जी आपसे बोलना चाहूंगा, आप जो बोल रहे थे कि आप में भगवान का शक्ति है, ये तो ये यहाँ ये जो बहस करके कुछ फायदा नहीं है। आप ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का बंद कर सकती हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का बंद कर सकती हैं आप। एक मिनट, मैं यहाँ पर कनाडा में रहती हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर एक बी के संदीप से मेरी बातचीत हुई थी, तो जैसे ही उसने मेरे को बोला वो मेरे चैनल पे आएगा, मैंने उसके सेंटर पे बोला कि ठीक है मैं आऊंगी जो भी है, इसके बाद वो गायब हो गया जैसे ही उसने मेरा चैनल देखा, क्योंकि तब मैंने जब उसको कहा था उसके बाद ही मैंने ये जब रिसर्च में करी तो मैंने कुछ और पाया, तो मेरे को वो, मैं तो सत्य के साथ हूँ हमेशा, ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद है, तो सच के साथ हूँ मैं, तो सच मैंने देखा तो फिर मैं बिदक गई, तो मैंने उसको बुलाया अपने चैनल पे, तो वो उसने मेरे को एक रात पहले बोला आऊंगा, और ये दिव्य आत्मा इतनी झूठी और धोखेबाज निकली कि अगले दिन उसने मेरे को बहाना बना दिया और वो नहीं आया, और उसने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया। तो ये है आपका दिव्य आत्मा। प्रीति जी मैं इनको देता हूँ, राधु जी आई एम रेडी टू कम टू यू एंड योर सेंटर, मैं आने को तैयार हूँ आपके सेंटर पे, और मैं 150, 200, 300, 500 आदमी लेके आऊंगा, सब आपको फॉलो करेंगे। अब अपना पता, अपना परिचय, सेंटर का परिचय दीजिए, दे पाएंगे? अभी हम 500 आदमी आएंगे, बता तो दीजिए, हम 3 महीने का डेट फिक्स करेंगे, ये चीज क्या है, यहाँ झगड़ा झगड़ा अंकल जी सुनिए, ये झगड़ा की बात नहीं है, हम आप हम आप आर्गुमेंट करेंगे, हम आर्गुमेंट करेंगे, झगड़ा लास्ट में फाइनल झगड़ा ही होगा, हम आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सब में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं अगर आप, तो माउंट आबू आना है, कुछ करके फिर मुझे माउंट आबू आना है। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज से नहीं है, वो 1939 से ये भगवान का काम है, अगर मैं आप तो इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता, कुछ आदमी लोगों को भड़का के उनको जाने के लिए बंद कर देंगे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होगा, भगवान के काम में कोई बंद नहीं कर सकता उसको, कोई भी नहीं, जितना प्रीति जी की तरह बहुत लोग आएंगे कोई बंद नहीं कर सकता। एक मिनट प्लीज, आप सुनेंगे नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, बोले, आऊंगा, कोई पत्नी आएगी अपने पति को सरेंडर करेगी, कोई पति आएगा अपनी पत्नी को सरेंडर करेगा, कि ये ब्रह्म कुमारी फॉलोअर इनको रख लीजिए, आप सेंटर का नाम बताइए, आप आइए वहां पे, हम 500 आदमी को आपको दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, इनको लीजिए रखिए अपने पास, हम तो ये करने को तैयार हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो, हम आपसे लड़ने नहीं आ रहे हैं, हम तो आज परिवार का सदस्य आपको देने के लिए, अरुण जी बातें बैक में कर लेंगे,
और दूसरी बात, मैं किसी को श्राप नहीं देती हूँ, दिव्य आत्माएं कभी किसी को श्राप नहीं देती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रह्म कुमारियां बहुत गंदी बातें बोलती है, इनका लेकर आज की लैंग्वेज देखो, बाप ये लोग श्राप देती है प्रॉपर प्रॉपर। जो जो प्रीति प्रीति जी, मैं अपनी आईडी प्रूफ दे रहा हूँ, क्या ये दे पाएंगे? मैं तो सीधा चैलेंज कर रहा हूं, मैं आना चाहता हूं वहां पे इनको समर्पित करना चाहता हूं। 500 आदमी, अब ये बस बंद कर दीजिए बात, आप बहुत बार बोल चुके हैं ये वाली बात, ये नहीं देंगे कुछ भी, और जो भी आप कहेंगे उसको बोल देंगे ये झूठ है, दैट्स इट। अब जो है, जब कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज्ड होता है तो उसको नॉर्मल आने में प्रॉब्लम होती है, हम लोग जो है सर्टिफाइड साइकाइट्रिस्ट नहीं है जो हम ऐसा कर सके, हम ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं। आपने आपने सूर्यदेव वगैरह जो बोला ना, अभी यूक्रेन वगैरह ये जो चल रहा है ना, आप सब रोक दीजिए, ठीक है? हम जब अनुभूति बोलेंगे तो हमारी बकवास है, और आप जो बोलेंगे वो सही सच है। मैंने आपसे कहा ही नहीं, मैं तो कभी यहाँ पर आके अपनी अनुभूति के बारे में बताती ही, एक मिनट अरुण जी, मैं कभी भी यहाँ पे आके अपनी अनुभूतियों के बारे में नहीं बताती, पर चूंकि आपने अपनी बात रखी तो मैंने आपको आज आंसर कर दिया है। ये बहुत ही पर्सनल बात है और मैं जनरली लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ, ये मेरे और ईश्वर के बीच की बात है, तो मैं ये अपनी पर्सनल बातें नहीं बताना चाहती हूँ। आपकी बात उठी तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि केवल अनुभूति आपको ही नहीं होती, दूसरों को भी होती है। जी अजय जी, क्या इनसे बोलो, ये इनके भगवान अगर शिव बाबा या ब्रह्मा दोनों है मिलके, यूक्रेन, हवास, रूस, इजराइल और अभी चाइना ताइवान होने वाला है, उसके बाद इनके पास उत्तर कोरिया साउथ कोरिया होने वाला, मैंने पहले बता दे रहा हूँ, आज इनसे इनके बाबा से पूछो, अनुभव करके बंद करा सकते हैं, और फिर इनके माउंट आबू सेंटर में ही क्यों जाऊँ? कुछ नहीं करते, माउंट आबू कहते हैं अजय जी, ये तो बाहर के लोगों को बोलते हैं, ये लौकिक है और माँ बाप कुत्ते हैं, हस्बैंड कुत्ता है, और जो बाकी के लोग हैं वो इनसे नीचे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। तो दीदी इनसे पूछ रहे ना, ये अपने भगवान आते हैं, इनको साक्षात दर्शन होते हैं, तो भगवान से पूछे कब? प्रीति जी, आप आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, नहीं 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 आप चुप रहिए प्रवीण जी, आपने मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप एजुकेटेड होंगे, मैं इसे भी इंटर पास हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। अरे यही अहंकार है ना आपका, यही अहंकार, ये आपका अहंकार है, ये आपका अहंकार है कि दो बातें कर रहे हैं, आप पीछे बोल रहे हैं, ये आपका अहंकार है कि दो बातें कर रहे हैं। ये डिबेट हम बंद करते हैं, आप सब लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, सबको हमें बहुत बहुत प्यार सब लोगों को, और ये डिबेट हम स्टॉप करते हैं, अब 3.5 घंटे हो गए हैं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना समय खर्च करके आए, और चाहे हमारी कैसे भी विरोधाभास क्यों ना हो, पर ये वसुधैव कुटुंबकम हमारे सनातन के धर्म शास्त्र सिखाते हैं, हमारे शास्त्र इतने ऊंचे हैं कि वो हर प्राणी को जो है, मैं कहते हैं हर व्यक्ति में की आत्मा तुम्हारी आत्मा है, और सारे जो विश्व है वही वसुधैव कुटुंबकम है। हम ब्रह्म कुमारी की तरह इतनी छोटी विचारधारा नहीं रखते कि हम दिव्य आत्मा है और दूसरे लौकिक लोग गंदे हैं, हम ऐसी भावना नहीं रखते हैं, इसलिए आप सभी को हमारा प्यार, और कल फिर मिलेंगे। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।